प्रिंसिपल डॉक्टर एस के नागपाल और आज के हमारे मेहमान खुसूसी स्पेशल इनवाइटी और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर देवेंद्र सिंह जोहल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, डॉक्टर साहब GNDU में साइकोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे आज ये एक टॉक डिलीवर करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया था। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप के स्ट्रेस उनको फेस करने पड़ते हैं, तो ही काइंडली एग्रीड फॉर दैट एंड ही इज़ हेयर विद अस, ही इज़ अमंग अस। माई डियर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट अस वेलकम डॉक्टर जोहल, देवेंद्र पाल सिंह जोहल। सर, आप यहाँ आए हैं, अपना इतना कीमती टाइम आपने वहाँ से निकाल के, और ऐसा नहीं है हमेशा जब भी हमने इनको कॉल किया है, NSS में अगर कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने इनको ज़रूर सुना होगा। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं और बड़ा इम्प्रेसिव इनकी टॉक रहती है। सर, हम आपका यहाँ वेलकम करते हैं खालसा वेटरनरी कॉलेज में। तो एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, अब मैं वर्दी प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगा एक बुके एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जोहल साहब को प्रेजेंट करें, प्लीज़ सर। यही तो सर, जैसा कि मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि डॉक्टर जोहल बहुत लर्न्ड पर्सनैलिटी हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हमारे बीच में हैं, और किसी टाइप का भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो बेटा, वो यू कैन आस्क हिम। एंड अगेन ही हेल्प्स अस इन काउंसलिंग आल्सो। हमारे काफ़ी से स्टूडेंट जिनको केवल प्रॉब्लम आती है, हॉस्टल लाइफ है, घर से आना है, नए नए बच्चे आते हैं, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, सम टाइम यू मे फील सम डिप्रेशन, सम प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए इनके पास ही गिव्स ए स्पेशल टाइम टू अस। हमारे काफ़ी से बच्चे इनके पास जाते हैं एंड दे हैव बीन रिकवर्ड लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छी काउंसलिंग इनकी रहती है, ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगी। ये खुद बता देंगे आपको, टाइमिंग्स इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं। अब भी कुछ बच्चे हमारे जो हैं खालसा कॉलेज के केसी वास के, वो अब भी जाते हैं, तो आज इनकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, इनको आप केयरफुली सुने, मेहरबानी करके ट्राई टू एक्ट ऑन दैट। स्पीच करना बोलना ये तो बता देंगे, बट प्रैक्टिकली यू हैव टू फॉलो इट। टाइम एंड अगेन हम यही चीज़ कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हैं व्हेन वी प्रैक्टिकली फॉलो सर्टेन थिंग्स। ए टाइम इज़ देयर व्हेन यू शुड हैव सम चेंज इन योर बेंड ऑफ माइंड। मैं जब भी आपसे बोलता हूँ, जब भी कोई बात होती है, इसी बात पे ही मैं ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा। केयरफुली इनको सुनिए, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं बताइए, एड्रेस देम, और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी कैन टेक यू देयर, और यू कैन गो इवन डायरेक्टली टू हिम, नो प्रॉब्लम। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गेस्ट डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह जी जोहल कि सर प्लीज़ कम एंड एड्रेस द बॉयज गर्ल्स। प्रिंसिपल साहब, इजाज़त है? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इन विच लैंग्वेज ऑल ऑफ यू विल बी मोर कम्फर्टेबल। पंजाबी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड पंजाबी? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हों पंजाबी नहीं आती? सो अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू यू
that the discipline in which you are studying, this is the most difficult profession related with medical science. You have to make assessment at your own level. So the animals you are going to treat, so they don't say anything to you. Every assessment you have to make at your own level. So this is the field where very, very intelligent students, people, teachers are involved. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੈਟਨਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਡਲਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਨ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਇਟ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਸਮਥਿੰਗ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜੋਰਟੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਈਵੈਂਟ, ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ, ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਇਫ ਯੂ ਪਰਸੀਵ ਇਟ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਟੂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 50 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 20 ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਰਚਾ 50 ਰੁਪਈਏ ਆ, ਪੋਕਟ ਮਨੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ 20 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਪੋਕਟ 'ਚ 50 ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਵਿਸ਼ਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ,
जां ते अपनी कैपेसिटी वधाओ, जां अपने रिसोर्सिस इंप्रूव करो, अपनी एबिलिटी इंप्रूव करो, जां अपनियां लोड़ां घटाओ, डिजायर्स घट करो, नीड्स घट करो। साइकोलॉजिस्ट कहिंदे ने कि अपनी नीड नूं घट ना करो, अपनी डिजायर नूं घट ना करो, अपनी विश घट ना करो, अपने रिसोर्सिस इंप्रूव करो, अपनी एबिलिटी इंप्रूव करो, अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करो। साडा स्पिरिचुअल लिटरेचर ये कहिंदा है कि कुदरत दी रहमत दी बारिश हर वेले हो रही है, तू अपना भांडा वड्डा कर, तू अपनी झोली वड्डी कर। जे भांडा एक किलो दा तो उहदे च दो किलो चीज़ नहीं आउणी। जे कुदरत ने सानू जिंदगी च कुछ नहीं दिता तो इहदा मतलब साडी अजे कैपेसिटी नहीं है उस गल दी। कहिंदा मां जिहड़ी है ना, मां वह बच्चे नू अग ना खेलन तो भी रोकदी है, चाकू भी नहीं हाथ च फड़न दिंदी। बच्चा छोटा भी है ना, साल दा भी है, डेढ़ साल दा भी है, दो साल दा भी है, जदों उहनू किसे काम तो रोकदे हो ना अंदर बहुत इरीटेट फील करदा, उहनू बहुत गुस्सा आउंदा कि मेरी माँ क्यों रोक रही है मैनू। ठीक है ना, क्योंकि माँ नू इन्ना पता है, माँ नू इन्ना पता है कि इहदे लई किहड़ी चीज़ फायदे वाली है ते किहड़ी नुकसान वाली है, इस करके माँ रोकदी है उहनू। ते रब इन्ना कते सियाणा जरूर है माँ नालों कि उहनू इह पता है कि उहनू किहड़ी चीज़ चाहीदी है ते किहड़ी नहीं चाहीदी। जे कोई चीज़ हैसियत दे मुताबक नहीं मिली तो आ समझ लैणा कि अजे कपैसिटी नहीं डिवेलप होई, अजे एबिलिटी नहीं है उन्नी जिन्नी चाहीदी है, अजे इंप्रूवमेंट की लोड़ है थोड़ी होर। सो हमेशा अपनी कपैसिटी इंप्रूव करो, हमेशा अपनी एबिलिटी इंप्रूव करो, अपना स्कोप इंप्रूव करो। अक्सर ये सवाल स्टूडेंट पूछते हैं कि इस सबजैक्ट का की स्कोप है जी, तो मेरा एको जवाब होंदा उन्होंने, सबजैक्ट किसी का भी कोई स्कोप नहीं होंदा, स्कोप हमेशा इंडिविजुअल्स का होंदा। जिन्होंने नैशनल अवार्ड लाए ने ना, स्कूल के प्रायमरी टीचर ने भी नैशनल अवार्ड लाए ने, स्टेट अवार्ड लाए ने, जिन्होंने नहीं कुछ मिले उन्होंने यूनिवर्सिटियों जाके भी कुछ नहीं मिले। सो अपने रिसोर्सिस इंप्रूव करो, अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करो। और तीजी चीज़, स्ट्रैस उदों हुंदी है वैन समथिंग नैगेटिव हैपन्स, जदों कुछ नैगेटिव हुंदा तां स्ट्रैस हुंदी। घर च शादी है उदों भी टेंशन है, पर वो पॉजिटिव टेंशन है, उहनूं असीं कहिंदे यू स्ट्रैस। यूफोरिया हुंदा ना खुश रहना, यू स्ट्रैस। जिहड़ी ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਿਸ ਈਜ਼, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਐਟ ਈਜ਼, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਐਟ ਈਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਈਜ਼ ਡਿਸ ਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। और बैठे तुसी सारे हो डिजीज़ दा ट्रीटमेंट करन लई। और ये साड़ी ट्रैजडी है कि असी सारी दुनिया दा इलाज कर सकते हैं, अपना नहीं हुंदा, क्योंकि करना बड़ा औखा है, अपने ते फोकस करना बड़ा औखा है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अदर परसन, बट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर ओन सैल्फ। सानू सब लोगों दीयां कमजोरियां पता ने, प्लस पॉइंट पता ने, नैगेटिव पॉइंट पता ने, अपना नहीं पता। सारा कुछ जानते हैं, अपने बारे कुछ भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कभी अपने को बैठे ही नहीं असि। आवर सैल्फ इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, इट विल नैवर चीट यू, इट विल नैवर डिसीव यू, बट वी हैव नॉट मेड आवर सैल्फ आवर फ्रेंड। असी ट्रैवल करते ना ट्रेन च, ट्रेन च बैठने तो पहलों दो अखबारां ले लियां, दो मैगजीन ले ले, लै के बैठते हैं। क्यों? बंदा कल्ले नाल बैठना नहीं चाहुंदा। क्यों नहीं बैठना चाहुंदा? जदों बंदो अपने आप नाल बैठता ना तो उन्हूं अपनियां कमजोरियां नज़र आउंदियां ने, जदों कमजोरियां नज़र आउंदियां ने वो उन्हूं दुखी कर दियां ने, ते दुखी कोई भी नहीं होना चाहुंदा। बिल्ली वल देख के कबूतर अखां बंद कर लैंदा, इहदा मतलब ये थोड़ा बिल्ली चली गई है, वो तो उत्थे ही है,
उन्हें चपटा मारना ही मारना, आज नहीं कल मारूगी, ठीक है ना। वी शुड नो आवर स्ट्रेंथ्स, वी शुड नो आवर वीकनेसेस, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेंथ्स एंड वी हैव टू वीकन आवर वीक पॉइंट्स। जिहड़ियां स्ट्रेंथ ने उन्हां नूं स्ट्रोंग करना, जिहड़े साडे वीक पॉइंट है उन्हां नूं होर वीक करना, और जे खत्म नहीं करना तो घट्टो घट्ट मिनीमाइज़ ते करना। और स्ट्रेस नूं हमेशा लोग नैगेटिवली लेंदे, इहनूं बुरा वर्ड मन्निया जांदा। स्ट्रेस बहुत वधिया चीज़ है, साडे इक हाइपोथीसिस है एजुकेशन साइकोलॉजी च, उहनूं अडोप्ट करदे ने, समालर स्ट्रेस फॉर लोंगर पीरियड्स इज ऑलवेज बैटर दैन लार्जर स्ट्रेस फॉर समालर पीरियड्स। इम्तिहान के लागे जाके चिंता होंदी है ना, पंद्रह पंद्रह घंटे पढ़ लेंदे हो, पढ़ते हो सेमेस्टर शुरू च पंद्रह घंटे क्यों नहीं पढ़ते। और तुसी देखो इम्तिहान दे नेड़े जाके बंदा पंद्रह पंद्रह घंटे पढ़ता, और जेड़ा टॉपिक सारा सेमेस्टर नहीं समझ आया उदों आउंदा, समझ नहीं आउंदा वो याद भी रहिंदा, याद ही नहीं रहिंदा वो अगले दिन एग्जाम च रीप्रोड्यूस भी हुंदा एग्जामिनेशन हाल च आंसर शीट ते। मैं एक एग्जाम्पल कोट करदा हुंना, इफ ए मैड डॉग इज आफ्टर यू द स्पीड विद विच यू कुड रन यू कैन नॉट इमेजिन योर सैल्फ। हल्का कुत्ता कदे मगर लगा होए ना, बंदा इन्नी स्पीड ना भजदा भी कुत्ते नूं भी पिछे छड्ड जांदा। वो पावर, वो एनर्जी, वो पोटेंशियल आया कितों, उही हो यू आर द सेम परसन जिन्हें सेमेस्टर च एडमिशन ले सी, दो घंटे भी नहीं सी बैठा जांदा, अज पापा बारह घंटे बैठे हैं, चौदह घंटे बैठे हैं, भुख भी नहीं लगती। कई बार घर दे कहिंदे, घर तुसीं होस्टल च रहिंदे हो, इत्थे तां तुहानूं कहिंदा ही कुछ नहीं, यू हैव ए फुल फ्रीडम। होस्टल बंदे नूं जां बहुत वधिया जां निखार के कढ़दा पट्ठी है, होस्टल सोने वाली पट्ठी है, जां ते बंदे नूं निखार के कढ़ेगी जां बर्बाद करके कढ़ेगी, फैसला तुसीं करना कि इत्थों सोना बन के निकलना जां पित्तल बन के निकलना। क्यों? तुहाडे ते कोई कंट्रोल नहीं, मर्जी आ उठो, मर्जी आ ना उठो, मर्जी आ कॉलेज जाओ ना जाओ, मर्जी आ पढ़ो ना पढ़ो, मर्जी आ रोटी खाओ, घर रोटी नहीं खाए दे, घर दे चार वारी पुछण आउंदे ने फिर रोटी नहीं खाई, कोई नहीं तुहानूं पुछदा। यू हैव ए फुल फ्रीडम, यू हैव ए कंप्लीट चॉइस विद यू, पर स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज नैगेटिव। जिदन ट्रेन फड़नी होए ना सवेरे पाँच बजे उठ के, रात दो वारी जाग आउंदी है, तीन वारी, क्यों? जदों तुसी सोचते हो ना भी सवेरे उठ के मैं ट्रेन फड़नी है, फ्लाइट फड़नी है, कितने मिस ना आ जाए, तुहाडे दिमाग च एक अलार्म लग जाता, अलार्म लग जाता, तुसी नौ बजे सुते हो, बारह बजे जाग आऊगी, बंदा टाइम वेखदा बारह बजे ने, फिर दो बजे जाग आऊगी, फिर चार बजे जाग आऊगी, ना भी अलार्म लाओ, वो टेंशन अलार्म बजा रही है। आपां एक दिन फैसला किया कि कल चार बजे उठ के पढ़ना है, अलार्म ला लिया, तीन बजे जाग आई, टाइम देखिया, क्योंकि असी जिहड़ी असी वो काम करते हैं जिहड़ा सानूं सूट करता है। तीन बजे अलार्म घड़ी देखी, तीन बजे ने, बंदा कहिंदा चार बजे का अलार्म लाया सी, चार बजे उठांगे, अजे घंटा हैगा, घंटा होर सौ लो, फिर चार बजे कदों अलार्म वजा पता ही नहीं लग्या, इन्नी नींद आई, हुण जाग आई साढ़े पाँच बजे, जाग साढ़े पाँच बजे उठ के बंदा अलार्म देखता घड़ी वाल वेख के, हुण कोई फायदा नहीं। इदां करांगे कल साढ़े तीन बजे उठते हैं, जे अज चार बजे नहीं उठाया गया तो कल तो साढ़े तीन बजे नहीं उठाया जाना। कई बार असी टारगेट फिक्स कर दें विच आर बियोंड आवर रीच, 60% नंबर लैन वाला बंदा टारगेट रख ले 80 वाला, तो 80 नहीं आउणगे, 40 तो 60% नंबर करने ना, तो हो सकता लोड़ है चार घंटे पढ़ाई की, 40 तो 60 करने हो, 20% का वाधा किया। जे तुसी ए कहो भी हुण 60 तो 80 करने ने,
60 तो असी करने ने 20% हेयर एडिशन हुई तो हो सकता जो पहले 4 घंटे लोड सी तो हूँ 12 घंटे एडिशन करने पे 60 तो असी करने बहुत औखे ने 40 तो 60 करने सौखे ने। सो असी टारगेट वो रखना है जिहड़ा साडी रीच है। तुसी 50 नंबर लै रहे हो 50% लै रहे हो टारगेट रखो 55 का 55 आ गए यू विल फील मोटिवेटेड यू हैव अचीव्ड योर टारगेट नो फिक्स अप द टारगेट हूँ 55 तो 60 का टारगेट कर लो है ना। सो कई बार सानू टेंशन इस करके होंगी है और असी ये लाइफ स्टाइल बना लिया टेंशन च रहन वाला टेंशन च रहन वाला असी लाइफ स्टाइल बना लिया फैशन बना लिया। मैं कई लोगों को कैंपस च मिलदा जां काउंसलिंग वास्ते आउंदे मैं उनको यार हसया करो नहीं डॉक्टर साहब हसना नहीं चाहिए इदा नहीं बिना मतलब नहीं हसना चाहिए। मैं क्या उदा की हुंदा एवें नज़र लग जांदियां लोगों दी मैं क्या पता नहीं तेरिया किन्नियां कनु लगियां होनियां जिहड़ा हर वेले मूँह बना के रखता। वो कहिंदा घर च गैसट आए ना हसबेंड वाइफ नूं कहिंदा कि मेरे बड़े पुराने दोस्त आए ने वधिया जा कुछ बना कहिंदा फिर की होया कहिंदा उन्हें मूँह बना लिया ठीक है ना। सो लाइफ स्टाइल जिहड़ा वो ठीक करन दी लोड़ है ठीक है ना। समथिंग इज़ नैगेटिव हैपन्स समथिंग एंडेंजर्स कॉजेज स्ट्रैस पर अपना ये लाइफ स्टाइल नहीं बनाउणा दुनिया नू लोगां दीआं नज़रां नाल नहीं देखना ठीक है ना। अपनी एबिलिटी अपनी कपैसिटी इंप्रूव करनी है अपने रिसोर्स इंप्रूव करने ने एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ रिलेटिव दुनिया च कोई भी चीज़ एबसोल्यूट टर्म से डिस्क्राइब नहीं की जा सकती खास करके ह्यूमन बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। असा पता की सिस्टम बनाया कहता आदत सी बना ली है तुमने तो मनीर अपनी जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना वी हैव मेड दिस लाइफ स्टाइल जिदी लोड़ नहीं है। मेरे को शहर दे 5-7 बिजनेसमैन मेरे पेशेंट ने जिन्हां लई मैं काउंसलिंग करदा जाना 15-15 करोड़ की कोठी है 2-2 मर्सिडीज ने 2 BMW रखी है आ जिन्ना का हाल हैगा ये तुसी 4 हिस्से कर लो एडे एडे वड्डे बैडरूम ने 5-5 लाख का TV लगा 15-15 लाख का बैड है 15-15 लाख का मैट्रस वजा गल च कॉलर लगा ना कुदरत ने लून खाण का हुक्म दिता ना मिठा खाण का हुक्म दिता है। मैनू कोई वो घर जाओ ना तो स्नैक्स वगैरह रखते हैं तो कहता सर तुसी लो मैं तो चीज़ उन्होंने कहना की लियावा खाने वास्ते ये वाले स्नैक नहीं नहीं मैनू तो डॉक्टर ने लून मना किया मैनू डॉक्टर ने मिठा मना किया मैं क्या इन्हों मना किया मैनू कोई नहीं मना किया तू लिया जो लिया जे कुदरत का तुसी इंसाफ देखो जिन्हां लोगों को बहुत कुछ दिता खाण नू उन्हां नू खाण दा हुक्म नहीं दिता। लेबर क्लास नू कहो 2 किलो बर्फी का डब्बा रखो अद्धे घंटे 2 किलो बर्फी खा जांदा उन्हें शुगर ब्लड प्रैशर कुछ भी नहीं हैगा ठीक है ना। तो मैनू लगता है भी बंदा जिहड़ा जिस स्टेज पर जां जिस इंस्टीट्यूट तुसी पढ़ रहे हो जिहड़ा तुसी कोर्स कर रहे हो ठीक है ना ते होर इदू अगे कित्थे जाना जा की चाहिदा लाइफ दे विच साढ़े तो ज़्यादा मेहनती लोग साढ़े तो इंटैलीजेंट बच्चे दुनिया च बहुत ने जिहड़े साढ़े नालों हर लिहाज ना चंगे ने बट दे हैव नॉट गॉट द ऑपरचुनिटी टू गो टू स्कूल उन्हां नूं स्कूल जाण दा मौका नहीं मिलिया उन्हां नूं पढ़न दा मौका नहीं मिलिया उन्हां नूं अपना टैलेंट शो करन दा मौका नहीं मिलिया। सो इस वास्ते स्ट्रैस तो घबराना नहीं है क्योंकि घबराहट ना कोई मसला हल नहीं होंदा। मैं गल करूँगा हैल्थ की 1946 सब तो पहलों वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैल्थ नूं डिफाइन किया वो कहते हैल्थ की है हैल्थ इज़ नॉट मेयरली द एबसेंस ऑफ डिजीज़ रादर हैल्थ इज़ द कंप्लीट बायोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द पर्सन। बायोलॉजिकली ठीक चाहिए हो, साइकोलॉजिकली भी ठीक चाहिए हो, सोशली भी ठीक चाहिए हो। जिहड़े बंदे नूं बुलाउंदा कोई ना महल्ले च, वो अज नहीं तो कल सिक होया ही लो, फिजिकली जां मैंटली। बायोलॉजिकली भी ठीक चाहिदा बंदा, साइकोलॉजिकली भी ठीक चाहिदा, सोशली भी ठीक चाहिदा, तां उहनूं हैल्थ कहिंदे ने। लोग इदों भी अगे गए ने, कहिंदे हैल्थ की है, इट्स नॉट अबाउट ऑल दीज डिजीज़ और डिसऑर्डरस, हैल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू डू नॉट हैव बैड थॉट्स, इफ यू डू नॉट हैव बैड फीलिंग्स, बैड एटीट्यूड्स, बैड ओरिएंटेशन, नेगेटिविटी, इट्स गुड, वो चंगी गल है। बट इफ यू डू नॉट हैव गुड थॉट्स, गुड फीलिंग, इट इज़ मोर बैड। साढ़े को तीन चीज़ा ने, एक साढ़े को बॉडी है, एक साढ़े को माइंड है, एक साढ़े को सोल है, आत्मा जिन्हों कहने। ठीक है, मैं सोल बारे गल नहीं करांगा क्योंकि ये बारे कुछ कंट्रोवर्सीज ने। ठीक है ना, कुछ लोग रब नूं मानते ने, कुछ रब नूं नहीं मानते। ये बारे एक मैं बड़ी ब्यूटीफुल इंसीडेंट पढ़ी, कहिंदे केशव चंद्र नां दा एक राइटर होया बंगाल दे विच, उन्हें इन्ना लिटरेचर लिखिया कि सारा बंगाल कम्युनिस्ट हो गया, नास्तिक हो गया। उहदा किते आर्गूमेंट हो गया स्वामी परम कृष्ण हंस जी नाल। वो कहिंदा जी तुसी रब रब करदे रहिंदे हो हर वेले, प्रूव ते करो रब है भी है। वो कहिंदा जी तुसी प्रूव करो रब नहीं है। बड़ा वड्डा सम्मेलन बुला लिया गया, गैदरिंग बुलाई गई। कहिंदे केशव चंद्र उठिया ते उन्हें एक एक करके रब दे ते रब नूं मलन वालियां दे पड़छे उधेड़ दिते। वो कहिंदा जी तुसी कहिंदे हो जी रब बड़ा दयालु है, इन्ने कोड़े ने, इन्ने बीमार ने, इन्यां नूं बीमारियां ने, तो दयालु कित्थे है दसो? जे उहदी दया हैगी ते फिर दया हुंदी क्यों नहीं इन्हां ते? कहिंदा तुसी कहिंदे हो भी रब निर्वैर है, वो किसी नाल वैर नहीं रखता। ठीक है ना, इन्ने कतल हो रहे ने, इन्नियां लड़ाइयां हो रही ने, इन्नी वायलेंस है सोसाइटी दे विच, ते फिर वो गुण कित्थे गया रब दा? एक एक करके कहिंदे दो घंटियां दे विच उन्हें रब नूं मन्नण वालियां दा ना रब दा कुछ छड्या, ना मन्नण वालियां दा कुछ छड्या। कहिंदा स्वामी जी नूं कहिंदे हुण तुसी प्रूव करो कि रब है। वो कहिंदा उठ के ते केशव चंद्र नूं गलवकड़ी पा ली। वो कहिंदा केशव चंद्र तैनू सुनन तो पहलों मैनू डाउट हुंदा सी भी पता नहीं रब है कि नहीं है, पर तैनी सुनन तो बाद मेरा मन पक्का हो गया कि इन्ना शार्प माइंड, इन्नी इंटलैक्चुअल एबिलिटी रब तो बिना नहीं हो सकती। तो कहिंदा केशव चंद्र पहली बारी कितने स्टेज पर मनिया कि स्वामी जी जित तो मैं गया, आर्गूमेंट च मैं जित गया, पर मैनू लगता मैं जित के भी हार गया। स्वामी जी कहिंदे तैनू सुन तो पहलों मैनू शक सी भी पता नहीं मनी जाने कभी देखिया तो नहीं रब है भी कि नहीं है, पर तैनू सुन तो बाद रब प्रतख रूप च देख लिया कि इन्ना तिखा दिमाग, इन्नी तेज बुद्धि, कहिंदा रब दी होण तो बिना नहीं हो सकती। सो एक है हैल्थ, हैल्थ दे विच दो चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने, एक है बॉडी, दूजा है माइंड। बॉडी नूं ठीक करन दे दो तरीके ने, एक है फूड ते एक है एक्सरसाइज। फूड बारे मैं तीन चार गल्लां करांगा। सारयां नूं पता है न्यूट्रीशियस डाइट खानी चाहीदी है, वधिया भोजन खाना चाहीदा, माड़ा नहीं खाना चाहीदा। What you eat is important, but what is your state of mind when you eat, it is more important. खाना बनाउन वाले दा state of mind की सी? कहिंदा जे खाना मत्थे ते त्यूड़ियां पा के बनाया जावे, science इस गल नूं अज establish कर चुकी है कि प्रसाद दे विच ते आम भोजन च की फर्क हुंदा। जदों प्रसाद बनता है ना, उदों स्पिरिचुअल हाइमनज नाल चैंटिंग की जाती उन्होंने,
है ना, मंत्र पढ़िया जाता जो प्रसाद बनाया जाता, ठीक है ना, उहदे च एक नैचुरल पावर आउंदी है। कहिंदा जे गुस्से च खाना बनाओगे ना तो जिहड़ा खाण वाला उहनूं भी गुस्सा चढ़ेगा। इस तरह दीआं स्टडीज़ अवेलेबल ने। वट यू ईट इज़ इंपॉर्टेंट, बट वट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड वैन यू ईट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सो जदों भी खाना खाना, खाना देण वाले दा शुकराना करके खुश मूड दे विच, प्लेजेंट माइंड दे विच खाना, उहदा असर ज़्यादा होएगा। तुसी चाहे थोड़ा बहुत घट न्यूट्रीशियस फूड भी खा लोगे, तो तुसी बहुत वधिया फूड खाने हो बट स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी नैगेटिव, इट विल नॉट वर्क वैल फॉर द वेलफेयर ऑफ योर बॉडी। वो नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। नंबर दो, खाने बारे कहा जाता है कि जिन्ना घट खाओगे उन्नी लंबी जिंदगी जीओगे। कहिंदे जदों बंदा मर जाता ना साडे कल्चर दे विच, कहिंदा दाणा पानी मुक गया, तो जिन्ना ज़्यादा खाओगे दाणा पानी भी छेती मुकेगा। साडा टीचर सानू कहिंदे हुंदे सी, कहिंदे पुत्तर जदों भी बंदा दुनिया ते आउंदा ना रब उहनू दो बोरियां ऐश दीआं दिंदा हर बंदे नू, एक ऐश अंग्रेजी दी ते एक ऐश पंजाबी दी। अंग्रेजी वाली ऐश का मतलब हुंदा सुआह, पंजाबी वाली ऐश ऐश। कहिंदे हुण तुहाडी मर्जी है, सुआह वाली बोरी पहलों ख़त्म करनी है जां पंजाबी वाली ऐश पहलों ख़त्म करनी है। जे ते सुआह वाली बोरी ख़त्म कर ली जिहड़ी तुसीं हाथ लाया होया बोरी नूं ऐस वेले, तो सारी उम्र पंजाबी वाली ऐश करोगे। तो जे पंजाबी वाली ऐश ख़त्म कर ली तो सुआह की बोरी रहनी है, फक दे फिरे सारी उम्र इहनूं। फैसला तुसीं करना बोरियां तरकत, कहिंदा बोरियां तेरे को दो ही ने, दोवें हैगियां ने, हुण तूं देख ला ख़त्म कि पहलों करनी है। एक खत्म कर ली दूजी बचेगी, केड़ी बचाउणी है ये तू फैसला कर, मैं नहीं ये बारे कुछ दसना। टीचर सानू ये भी कहिंदा हुंदा सी, जिवें डॉक्टर साहब कर रहे सी गल, असीं बैठे ऑफिस दे विच कर रहे सी, वो सानू कहिंदा हुंदा सी कि जिवें प्रिंसीपल साहब कह रहे सी, जे प्रिंसीपल टाइम सिर आउंदा हैड भी टाइम सिर आएगा, हैड टाइम सिर आउंदा तो टीचर भी टाइम सिर आउणगे, टीचर टाइम सिर आउणगे बाकी स्टाफ भी टाइम सिर आएगा। साडा टीचर सानू कहिंदा हुंदा पुत्तर दो बंदे जिले च ईमानदार चाहिए ने, एक डीसी ते एक एसएसपी, छामा तक सारे जिले च ईमानदारी फैल जाएगी, छामा तक, क्योंकि ये दो बंदे ने जिन्ना को सारी पावर है जिले की, जो मर्जी कर सकते। जो असीं स्कूल पढ़ते होंगे सी ना, नरिंजन सिंह डीसी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर च आया सी ना, मास्टरानियां स्वैटर बुनना छड गईयां सी, जिते स्कूले आ के स्वैटर ही बुनदियां हुंदियां सी। वह कहिंदा किसी मास्टर नूं पुछिया ना कि तुसी स्कूल टाइम तो पहलों को चले जाते हो, सॉरी स्कूल टाइम दे विच लेट क्यों आउंदे हो सवेरे, कहिंदा लेट इस करके आउंदे आ जाने भी तो पहला। मास्टर पढ़ा रहा सी ना, मास्टर पढ़ा रहा सी बच्चों नूं, पढ़ा रहे कहिंदा बेलो बच्चे सी यू पी सप, बच्चे भी बोलन सी यू पी सप। लागू दी एक ईमानदार लंघिया, कहिंदा भलिया मानसा क्यों लगा इन्हां दा बेड़ा गर्क करन, सी यू पी सप नहीं हुंदा सी यू पी कप हुंदा। कहिंदा नहीं सरदार साहब, ये सी यू पी सप ही रहेगा जद तक साडी तनखाह नहीं वधदी। ठीक है ना, तुसीं रहिंदे किहड़ी स्टेट चो, माइंड दी स्टेट की हैगी है वो बड़ी इंपोर्टेंट है। मैं अज सवेरे एक टॉपिक ड्रग एडिक्शन का बच्चों को पढ़ा रहा सी, तो बाई चांस मैं चेता आया कि मेरा शाम का वैटनरी लैक्चर आ, मैं कहा यार बंदा एवें डींगा मारदा फिरदा, मैं वो ते मैं ये ते मैं ये कीता ते वो कीता, मैं कहा बड़े सारे जानवर, बड़े सारे कि सारे जानवर तुहाडे नालों कई गल्लां च बहुत सियाणे ने। कहिंदे जी वह किवें, मैं कोई जानवर शराब नहीं पींदा, कोई जानवर तंबाकू नहीं खांदा, कोई जानवर सिगरेट नहीं पींदा, और कोई जानवर लोड तो वध अपने कोल रखता नहीं ना लोड तो वध खांदा। शेर शिकार करता जिन्ना खाना खा जांदा बाकी छड जांदा। इत्थे असीं इन्ने सैल्फिश हो गए हैं कि अपने वाले भी कुछ नहीं छड्डदे पिछे। सो खाना पीना रखण दा बहुत ध्यान है, जिहड़ा खाना बणाउंदा
घर जाके दस्या करो मदर नूं जिहड़ा भी घर खाना बनाउंदा वी खुश मूड च, जे उहदा नहीं मन नूं खाना बनाउंदा तां उहनूं जबरदस्ती ना बनाउण नूं कहो, उह खाना नहीं बणदा, उह जहर बणदा। खुश हो के खाना बनाओ तो उन्नी खुशी नाल उहनूं खाओ, घट खाओ। अज साइंस ये कहिंदी है कि दो मील दे विच जिहड़ा कि नहीं घट्टो घट गैप 16 घंटे का होना चाहिए। 16 घंटे का गैप वो तां हो सकता जे शाम की रोटी 6 बजे खा लो, शाम की रोटी 6 बजे खा लो, तां 12-14 का। ये प्रूव हो चुका है वैन यू आर हंगरी, वैन यू आर एम्प्टी स्टॉमिक, दैन बॉडी स्टार्ट्स रिपेयरिंग यूर टीयर एंड वीयर। जो तुसी भुखे होंदे हो ना, एनर्जी यूज़ नहीं हो रही बॉडी की डाइजेशन वास्ते, उदों बॉडी फिर तुहाड़ी अंदर डिजीज़ नाल लड़दी है, वो एनर्जी उत्थे यूज़ होंदी है। तुहाड़ा कितें वीयर टीयर हो गया, कोई कैंसर सैल बन रहा, कोई एड सैल प्रोपेगेट कर रहा, तो फिर इम्यून सिस्टम तुहाड़ा उहनूं अटैक करके खत्म करदा। सो खाना खाओ, खाना इन्ना खाओ कि खाना खाने तो बाद पता नहीं लगना चाहिए तुहाडे स्टोमक नूं भी खाना खाया। और तीजी गल, ऑलवेज ईट सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वैजीटेबल्स। लोग कहिंदे ने हुण तो सर्दी का टाइम शुरू हो गया, गोभी शुरू हो गई, 2 महीने गोभी पहलों शुरू सी 100 रुपये किलो। लोग बड़े शौक ना घर आ के कहिंदे ने अज मैं गोभी नवी कीती। मैं कहा जिहड़ी गोभी तुसी नवी कीती है ना, इस नवी गोभी ने तुहानू पुराने कर देना। लोग ये भी सवाल पूछते हैं भी ये किवें पता लगे भी सीजनल है कि नहीं है। जिहड़ी सब्जी जिहड़ा फ्रूट सब तो सस्ता है वह सीजनल है। असी मिडल क्लास के लोग हाँ, 200 रुपये किलो सेब लिया के खा लीए ना, 2 किलो सेब खा के इन्ना खून नहीं बनता जिन्ना सोच सोच के सड़ जाता भी 200 रुपया सेबा तो खर्चा। 200 रुपये किलो सेब खाण की बजाय 40 रुपये किलो अमरूद खाओ, उही सारा कुछ मिलता जो सेबां च है। सीजनल फ्रूट्स ते सीजनल वैजीटेबल्स सेहत लई बहुत जरूरी। अजकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपरूव हो गया, तुसीं देखो सारा फ्रूट ते सारियां सब्जियां तुहानूं सारा साल मिलदियां। नॉट गुड फॉर हैल्थ। दूजी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बारे जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज दे बारे 2-3 गल्लां दा ध्यान रखने की लोड़ है। डू एक्सरसाइज ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस की एक्सरसाइज करनी, लाइकिंग की एक्सरसाइज करनी। एंड इफ यू कैन डू दैट एक्सरसाइज विद योर सम बेस्ट फ्रेंड। दुनिया की रिसर्च ने ये एस्टैबलिश किया, दे हैव आइडेंटिफाइड 7 पैरामीटर्स टू रिमेन हैप्पी और टू मेनटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्वांटिटी भी चाहिए है, लंबी उम्र भी चाहिए है, पर क्वालिटी भी चाहिए है। उदे च जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, दोस्तों नाल बिताया समा। क्योंकि दोस्ती एक ऐसा फिनोमेना है जिथे सारा कुछ माफ है। असी जिहड़ा दोस्तों का सर्कल है, जिहड़े असी इकट्ठे पढ़ते सी फिर इकट्ठे टीचर भी बन गए, कभी एक दूजे नूं किसी ने सीधे ना नहीं बुलाया। और यही अपनापन है। दोस्तों च बैठो, इंजॉय करो, शेयर करो, हैल्प करो, और तुहाड़ी सारी एक्टिविटी एक फन हो जाएगी एक्सरसाइज रहन की बजाय। सुरजीत पात्र का एक बड़ा फेमस शेयर है, वो कहिंदा अगर जे कदी दिल खोल लैंदा तू यारां दे नाल, अगर जे कदी दिल खोल लैंदा तू यारां दे नाल तां अज इहनूं खोलणा ना पैंदा औजारां दे नाल। बाईपास सर्जरियां नहीं सी होनियां।
और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इफ़ यू लाफ लाउडली हाफ एन आवर डेली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकेज ऑफ योर आर्टरीज इज 90% रिड्यूस्ड। 16 16 18 18 20 20 22 22 साल दी बच्चियां दी बाईपास सर्जरी हो रही है, डायबिटीज हो रहे ने लोग, की है फास्ट फूड खाना तो सारा दिन मोबाइल से कंप्यूटर के सामने बहना, कुछ भी नहीं बचिया। सो इस वास्ते एक्सरसाइज करनी है, अपनी मर्जी दी करनी है, हो सके तो दोस्तों नाल करनी है, फन बन जाएगा, और रेगुलरली करनी। अगर बंदा खाने बारे ये चार चीज़ों का ध्यान रखेगा, एक्सरसाइज बारे ध्यान रखेगा, उसकी हेल्थ कभी खराब नहीं हो सकती, उसकी हेल्थ कभी खराब नहीं हो सकती। हुण आ जाओ मेंटल हेल्थ ते, इसी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ लई सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके कुछ फार्मूले ने जां कुछ ऐसियां चीज़ां ने जिन्हां दा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस चो सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्पिंग बिहेवियर, डू हेल्प जिथे कदे हो सके, जदों कदे हो सके, किसी नूं लोड पवे, औखे हो के आउट ऑफ वे जाके भी किसी की मदद करनी पवे तो करो, क्यों जदों तुहाडी कीती हुई मदद नाल कोई बंदा क्राइसिस चो बाहर आ के तुहानूं थैंक यू बोलेगा ना, योर मेंटल हेल्थ विल बी ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, और बहुत घट लोग थैंक यू बोलते ने आके तुम, पर जे आदत बना लोगे तो तुसी लोगों नू अपना थैंक यू कहण ते मजबूर कर दो। मैं एक बड़ी खूबसूरत कहानी पढ़ी सी, मैं अगे भी सुनाई सी, शायद इत्थे सुनाई होवे जां किते होर सुनाई होवे। एक दरख्त ते बहुत पंछी रहिंदे सी, एक दिन दरख्त नू अग लग गई, सारे पंछी उड गए, एक चिड़ी नहीं उत्थों गई, उन्हें नाले पानी चों टोबे चों चुंझ च पानी भर भर के ते दरख्त दे उत्ते सुटना शुरू कर दिता। लागों एक पसेंजर लंघिया, वो चिड़ी नू कहिंदा तैनू की लगता एक एक ड्रॉप पानी ना तुसे एक दरख्त की अग बुझा देंगी? वो कहिंदी मैनू यह पता है कि मेरी एक ड्रॉप डिगण नाल इस दरख्त की अग घट होने वाली नहीं है, पर मैनू इन्ना भी पता कल नू जदों इस दरख्त की हिस्टरी लिखी जाएगी घट्टो घट मेरा ना अग बुझाउण वालियां च होएगा, लाउण वालियां च नहीं होएगा। हेल्पिंग बिहेवियर, असी बहुत सैल्फिश हो गए अजकल, असी दुनिया नू क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों नू क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें यह करता उन्हें यह करता, ब्लेम करते हैं। है ना, गालिब दा एक बड़ा शेर है, कहिंदा उम्र भर गालिब यही गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जे मूँह ही गंदा तो शीशा जिन्ना मर्जी साफ कर लो, अपना मूँह ही दिखना। सो इस करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जदों कि मौका लगे, जिथे लगे, मैं काउंसलिंग करता, मैं कई बार औखा भी हुंदा, मेरा टाइम भी निकल जाता, मेरे कई काम रह भी जाते हैं, बट आई नैवर से नो हूस एवर कम्स टू मी। मैं कभी ना नहीं बोली, पर मैं 7 बजे तक डिपार्टमेंट बहना जाए, ठीक है ना। और मैनू जदों कोई स्टूडेंट तुहाडे वैटरनरी दे, एक दो स्टूडेंट मेरे टच ने अजे भी हुण भी आउंदे ने, फोन ते भी गल हुंदी है, जदों कोई स्टूडेंट ये आके कहिंदा ना कि सर मैं उदण दा बहुत ठीक हाँ, ठीक है ना, इन्नी मन नू शांति मिलती है, रात इन्नी वधिया नींद आउंदी है। मैं एक दो सवाल जरूर पूछना बच्चों, नींद ठीक आती है, भुख ठीक लगती है? और मोस्टली दोनों गल्लां ते जवाब ना च आउंदा, ना तो भुख चंगी तरह लगती है, ना नींद चंगी तरह आउंदी है। जो तो बच्चा ये कहिंदा ना नींद चंगी नहीं आउंदी, तो मैं कहना कर्मा वाला जी है, तेनू नींद नहीं आउंदी, इत्थे प्रॉब्लम यह है सवेरे जाग नहीं आउंदी। मैं कहा जे नींद नहीं आउंदी तो उठ के पढ़िया कर, मंजा कदी तोड़दा रहिंदा सारा रात, उठ के पढ़िया कर, नहा धो के पाठ करया कर, पूजा करया कर, ध्यान लाया कर, वेख किदां नींद आउंदी है। तुहानू कहणा नॉटमी दी फड़ हाँ किताब,
अनाटमी हाथ च फटदे नींद आ जाती है। नींद कदों आती जो समझ कख नहीं लगता, फिर बंदा सिर ढा के सुटदा। साढ़े स्पिरिचुअल लीडर रहिंदे ने कहिंदा बंदे दे मन ते फुल जदों खिड़दा है ना, फुल जदों खिड़दा पंखड़ियाँ उपर नूं उठदियां ने, उपर नूं उठदियां ने फिर फुल खिड़दा। लोग गुरुद्वारा मंदिरां च वी इदां बैठे हुंदे जिवें हुणे हॉस्पिटल तों ग्लूकोज़ लवा के आए हुंदे ने। खेड़ा चेहरे ते है ही नहीं, रौनक है ही नहीं, हासा वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आदमी बड़ा सैल्फिश हो गया। लाइफ बड़ी कीमती है, एवरी मूमेंट इज इंजॉयबल इफ यू वॉन्ट टू इंजॉय एंड यू कैन इंजॉय। हर मूमेंट इंजॉयबल है, हर मूमेंट एक एक सैकेंड बड़ा कीमती है और बहुत वधिया है, इनू टेंशन च ना गुजारो। वो कहिंदा ना एक आया कहिंदा लाला जी तुहाडी फैक्टरी नू अग लग गई। नहीं कहिंदा लाला जी फैक्टरी नू अग लग गई। कहिंदा सानू की? वो कहिंदा फैक्टरी तुहाडी सी। फिर कहिंदा तुहानू की? किसी नू पुछो ना, किसी नू पुछो। लोगों का एटीट्यूड पता की है? कहिंदा यार तुहाडे कोल ते इन्ना पैसा है, इन्ना पैसा है कि तेरिया सत्त पीढ़ियां भी बैठ के खाण तो मुक नहीं सकता, तेनू कदी चिंता है? नहीं कहिंदा मैनू चिंता होई है भी अठवीं का की बनेगा। जे कंपैरिजन अपना अंबानी नाल करना है, टाटा वाले ना करना, बिरला वाले ना करना, तो फिर मरना है। वो संत लौंगोवाल एक इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग की, कहिंदा उतों का एक साध सी, वो पिंड पिंड मंगदा हुंदा सी, ते किसी ने उन्हूं कहा संत जी तुसीं उस पिंड च मंगिया ना करो, लोग टिचकरां करदे ने, सारा पिंड तुहानूं टिच समझदा। वो कहिंदा इह च कड़ी वड्डी गल है, लौंगोवाल सारा इकट्ठा हो के मैनूं टिच समझदा, मैं कल्ला सारे लौंगोवाल नूं टिच समझदा। है ना, एटीट्यूड की होना चाहिए। कहिंदा हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। बंदा स्टूडेंट लाइफ है, मैनूं कई बार स्टूडेंट पुछदे ने कि सर इस क्वेश्चन च ये लिखना, मैं कहा तुसीं बादशाह लोग हो, जो मर्जी लिख दिओ, कोई माई दा लाल तुहानूं रोक सकदा? मोदी भी आके चाहे भी मैं नहीं लिख देना, कहिंदा तीन घंटे मेरी पावर चलती है, जो मैं मर्जी लिखा, चाहे मैं फिल्म की कहानी लिखा वा, नोबडी कैन स्टॉप मी। ठीक है ना, स्टूडेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है, इंजॉयबल है। साड़ी प्रॉब्लम पता की है, जो असी मॉल घूमन जाने ना फिर सानू पढ़ाई चेते आउंदी है, जो असी पढ़न बैठते हैं फिर सानू मॉल चेते आउंदा। ना मस्ती हो रही है ना पढ़ाई हो रही है, एक काम तो कर लो। बंदा घट्टो घट यही थी आके अभी बहुत मस्ती की थी। मैं स्टूडेंट को कहना हुंदा कि मैं कहा असी जो यूनिवर्सिटी पढ़ते सी ना मस्ती की थी, इन्नी मस्ती की थी, इन्ना बोलबाला इन्ना सिक्का चलता सी, यूनिवर्सिटी डेटशीट साडे तो पुछ के बनाउंदी हुंदी सी। वो कहिंदे तो साइकोलॉजी एक दविंदर सिंह है, सिर फिरया उन्हें पुछ लो फिर पंगा खड़ा कर देना कोई ना कोई, जो पढ़िया फिर सारा कुछ छड़ दिता, फिर नहीं देखा भी आसे पासे की हो रहा, लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है ना, सो जिथे कि हो सके, ये दुनिया की हालात इस करके माड़ी नहीं है कि इतने लोग बड़े माड़े ने, इस दुनिया के हालात इस करके माड़े ने कि चंगे लोग बोलते नहीं, जिन्होंने बोलना चाहिए वह नहीं बोलते। गुरु नानक दी योगियां नाल एक बहस सी, वो बहस ये सी कि यार जिन्हां लोगों ने जे सोसाइटी ने तुहानू योगी बनाया, पढ़ाया लिखाया, इन्नी अकल दित्ती, सियाणप दित्ती, जद उन्हां लोगों नू तुहाडी लोड़ पई तुसीं सारा कुछ छड्ड के पहाड़ा च आके बह गए, तुसीं सारा कुछ छड्ड के आके जंगलों च बह गए आके, तो जिहड़े मगर लोग ने इन्हां नू अकल कौन देगा, इन्हां नू गाइड कौन करेगा? सो लाइफ बड़ी कीमती है, इनू इंजॉय करो, मस्ती भी करो, काम भी करो, क्योंकि दोबारा टाइम नहीं आना। एवरी मूमेंट इज़ इंजॉयबल। किवें कहिंदा जिंदगी का प्याम लेके आता है, रूह की महफिलें सजाता है, तुम्हें फुर्सत नहीं है सुनने की, वरना हर लम्हा गीत गाता है। एक 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 एक, एक, एक सैकेंड गीत गा रहा है, सुनो तो सही, कान खोलो तो सही। मेरी आज रोटी मिस हो गई,
ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਹੀ ਡਿਡ MSc ਜੁਆਲੋਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੀਨੀਅਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫੀਨੀਅਨ, ਡੂ ਯੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੇਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਡ ਇਨ ਯੂਅਰ ਮੀਲ? ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਥਿੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਵਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਥਰੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਆਈ ਜੁਆਇੰਡ ਐਜ ਏ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ 1991। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੋਲਚਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਕੱਢੋ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਸੌਂਫ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਜੀਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੀਭ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਦੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਇੰਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ ਵਿਦ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਖਤੀ ਜ਼ਬਾਂ ਮੇਂ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਖਤੀ ਜ਼ਬਾਂ ਮੇਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਬਾਂ ਮੇਂ। ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी संभाल के रखने वाली चीज़ है। दिमाग फेल हो जाए ना, बंदा 80 साल तक जी सकता, दिल फेल हो गया 1 सैकंड लगना। और कोई गल ना ना सड़ा जहा मूँह बना, मेरा तो दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता खाण। भी कर तेरा मन नहीं रहा, बदनाम तू दिल नू कीता होया। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ना गल करो, गलबात कभी बंद ना करो, और वधिया तरीके ना गलबात करो। कोई टेंशन नहीं होएगी लाइफ दे विच। रिजिडिटी वर्सेस फ्लैक्सीबिलिटी, नैवर बी रिजिड इन लाइफ। तुसी दुनिया का इतिहास खोल के देख लो, रिजिडिटी कितने भी काम नहीं आई। औरंगजेब वर्गे लोग जिहड़े कहिंदे सी सवा सवा मन जनेऊ ला के खाणा, जां जिहड़े साडे धार्मिक आगू ने जिहड़े कट्टड़पंथी ने जिहड़े फ्लैक्सीबल नहीं है, उन्हां दी सर्वाइवल नहीं है दुनिया दे विच। फ्लैक्सीबिलिटी हमेशा पे करदी है। जदों तूफान चक्खड़ आउंदा ना, वड्डे वड्डे दरख्त टुटदे ने, वड्डे वड्डे दरख्त टुटदे ने, जिहड़े फ्लैक्सीबल हुंदे ने उन्हां दा नुकसान नहीं कदी हुंदा। कहिंदा बड़ी तेज़ आंधियां दरख्तों को पटक जाएंगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तुसी देखो सर्वाइकल दी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है साडे लोकां च। कहिंदे जी स्टिफनेस हो गई धौण दे विच, मसल्स हार्ड हो गए, तो फिर उहदा इलाज की है? कहिंदे जी एक्सरसाइज करो, फ्लैक्सीबिलिटी रहनी चाहिए। और जे तुसी किसी भी एज दे विच टेढ़े हो के अपने पैरां नूं हाथ ला लैंदे हो, तो इहदा मतलब तुसी ठीक ठाक हो। जे तुसी नहाउण लगे हो अपनी पिठ आप साफ कर लैंदे हो, तो इहदा मतलब ठीक ठाक हो, हाथ जांदा पिछे, नहीं तो अपने कोल मोढ़े भी नहीं साफ होंदे। तो बजुर्गी दा राज की है? बजुर्ग होण दा कारण की है? सारे काम छड्ड दिओ। ओ मेरी ऐनक फड़ाई उत्थों, मेरे जराबां फड़ाई अलमारी चों। जदों बंदा घर बह के ऑर्डर करन लग पे ना, कुर्सी ते बैठा बैठा ऑर्डर करन लग पे, समझ लो बजुर्गी आ गई है। इन एक्टिविटी लीड्स टू ओल्डनेस। सो फ्लैक्सीबिलिटी लाइफ च बहुत जरूरत है। फ्लैक्सीबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। बहुत लोग अपनी लाइफ दे विच इस करके नुकसान कर लेंदे ने, कोई एक रिजिड जिहा स्टैंड लै लेंदे। रिजिडिटी अगर बॉडी नूं नुकसान करदी है, तो तुसीं अंदाजा ला सकदे हो कि रिजिड माइंड तुहाडा किन्ना नुकसान करदा होएगा। नैवर कैरी योर प्रॉब्लम्स ऑफ योर होस्टल टू योर होम एंड प्रॉब्लम्स दी होम टू दी होस्टल। घर दीआं चीज़ां घर रखो। असीं घर जाके होस्टल गल करदे रहिंदे आ, ते इत्थे आके घर दीआं गल्लां करदे रहिंदे आ। ना घर ठीक रहा, ना होस्टल ठीक रहा, ठीक है ना? दीज आर टू सैपरेट इशूज। सो जिथे लोड है इनू उत्थे ही डिस्कस करो, जिथे चाहिए उत्थे डिस्कस करो, ठीक है ना? डोंट बी इमोशनली अटैच्ड विद दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। इमोशनल अटैच, कई बार घर से सवेरे सवेरे गिलास टुट देना, सारा दिन कलेश रहा, लै सवेरे सवेरे गिलास तोड़ दिता, फिर गिलास ही टुट गया 10 रुपये का, की हो गया? लेटेस्ट थ्यूरी यह कहती है कि 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज आवर ओन क्रिएशन, ओनली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर ओनली 10%। साडिया जिहड़ियां प्रॉब्लम ने वह 10% ने सारिया जिहड़ियां ओरिजिनल ने, बाकी असी क्रिएट कीतियां हुई ने 90%। पैनडेमिक का पीरियड रहा ये तकरीबन तुसी देखो कि 16 मार्च नूं लॉकडाउन हो गया सी 2020 दे विच। साडे होस्टल खाली करा ले सी 16 तरीक नूं, 16 मार्च नूं। ते आलमोस्ट तुसी ये कह सकते हो कि पौने 2 साल 2-3 महीने घट ये
पीड़ निकल गया। मैं पौने दो सालां दे विच तीन कमीजा तीन पेंटा तो तीन पग्गां अपनी अलमारी चो बाहर कढ लिया, यही पौना। और पौने दो साल उही तीन ड्रैसेस ही पाईया। पौने दो सालां च एक बंदे ने, ये मैनूं लगदा सी मेरे मन का वहम सी कि जिहड़ी कमीज़ मैं कल पा के गया जे मैं अज भी पा के गया पता नहीं लोग की कहणगे। पौने दो सालां दे विच एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलिया जिन्हें ये आके कहा होए कि तेरे को आही तीन कपड़े ने। ये साढ़े मन का ही वहम है कि लोग साडे बारे पता नहीं किन्ना सोचते हैं, किसी को टाइम है नहीं किसी बारे सोचने का। सानू परसों रात रोटी काली सब्जी ना खाधी से मैंने दसो किन्ने कू याद है, दिमाग ते जोर पाउण नाल भी याद नहीं आना, ठीक है ना। सो सानू बड़ा वहम है। तो फिर मैं कभी वेखदा ना वो जिवें कहिंदे ना पैंडेमिक पीरियड दे विच लोगों ने बड़े कमाल दे लतीफे बनाए, लेडीज़ नू कोल सूट ज़्यादा हुंदे ने, कहिंदे सूट पाउण नू लभदा कोई नहीं, अलमारी च थां है नहीं रखण नू कुछ। तो कहिंदा अलमारी च सूट पे गल्लां करदे रहे पौने दो साल, कहिंदा पता करो साडी मालकण हैगी आ कि ते गुजर ते नहीं गई। तो कहिंदा बरमूडा ते टी शर्ट बोल पे, कहिंदा पता नहीं मेरा ते सत्यानाश करता मालक ने छुट्टियां च, मैनू छड्डिया ही नहीं, है ना। मैनू लगता फिर मैं कभी नज़र मारदा, मैं कहा यार अलमारी भरी है, तुसीं 25-30 कमीजा रखी बैठे हो, 25-30 पेंटा रखी बैठे हो, लख डेढ़ लख रुपया उदा ही अलमारी च हैंगरां ते टंगिया, वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, उसके घर गया, मैंने एक बार चंगी लगी, पांच कहता 5 डे वीक हैगा, 5 पेंटा कमीजा ने, पेंट कमीज़ 6वीं तद आनी है जो एक पुरानी निकल जानी है। पर कहता असी जहनी तौर पर असी बहुत गरीब लोग हाँ, भावें जिन्हें मर्जी अमीर हो जाइए, उसकी निशानी की है? पहली गल तो आप बनैन उन्ना तिर तक उतारनी नहीं जब तक उस छेद ना हो जाए, छेदां वाली बनैन आ गई फिर आपां कार दा शीशा साफ करनी रख लैनी, जदों उहदे तों भी गई आई फिर आपां बूट साफ करन लई रख लैनी, फिर जदों उहदे तों भी गई आई फिर आपां 2-4 बनैणा इकट्ठियां करके उहनूं इक रस्सी बन के उहदा पोचा बना लैणा। साडे घर च बड़ियां सारियां चीज़ां कई सालां तों पईआं ने, जिहड़े कपड़े असीं कदी नहीं पाए पर किसे नूं पाउण वी नहीं दित्ते, ठीक है ना। कहिंदा ये इंडीकेट करता क्योंकि इन्नी हिम्मत नहीं पै रही, नवा ही हैगा। कहिंदा हिंदुस्तानियों का दिमाग इंटरनेशनल मार्केट दे विच सब तो महंगा विकिया सी, कहिंदा क्यों, कहिंदा बिल्कुल नवा ही आ जी, मासा नहीं वरत्या, जिदा रब ने दिता है बस उदा का उदा ही पिया। तो तुहानू पता नवी चीज़ की हमेशा वैल्यू ज़्यादा होंदी है ना। सो इस वास्ते टेंशन जिहड़ी है ये कोई मुद्दा नहीं है, इट्स ए परसैप्शन। हॉबी जिंदगी च हॉबी जरूर पालियो, जिदा तुसी लैक्चर सुन रहे हो 1995 या 1996 च मैं लैक्चर सुनिया, लैक्चर किसी रिटायर्ड प्रिंसीपल दा सी जलंधर तो, लैक्चर दा टॉपिक सी मेंटल हाइजीन। लैक्चर तो जिहड़ा उन्होंने दिता वो दिता जिहड़ी उहदे च शायरी की लैक्चर च वो बा कमाल सी, वो इन्नी मन नूं लगी। मैं उस दिन शाम नूं बाज़ार गया, जौक गालब जिगर मुरादाबादी जलंधरी, मैं कहा जिन्नियां शायरी दियां किताबां हैगी ना सारियां दे दे, वो पढ़िया, वो इन्ना पढ़ के स्वाद आया कि जिहड़ियां चीज़ां साइकोलॉजिस्ट ने 2000 साल च कहियां ही ना साडे शायर लोग तो 1800 च कह गए। ठीक है ना। वो कहिंदा दुनिया च इस तरह, वैसे तो क्योंकि टीचर सी, टीचर वास्ते लफ्ज़ वरत्या गया, शेर भी टीचर वास्ते वरत्या जांदा है। वो कहा जांदा है कि दिमाग च नहीं आ रहा, लेट मी रिमेंबर इट। बादल हो तो बरसो किसी बेआब ज़मी पर, बादल हो तो बरसो किसी बेआब ज़मी पर,
खुशबू हो अगर तुम तो बिखर क्यों नहीं जाते। खुशबू नू कैद नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। तुसी चंगे रहोगे, चंगे काम करोगे, हेल्प करोगे, लोग तुहाडे नाल जुड़नगे जुड़नगे। अजकल समा आया माड़िया नाल जुड़ी जाते हैं, चंगिया नाल क्यों नहीं जुड़नगे, ठीक है ना। सो वो हॉबी जिहड़ी है, वैन यू डू समथिंग एज ए हॉबी यू विल बी टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का किसी चीज़ ना कॉन्टैक्ट नहीं तुहाडा रहिंदा। हॉबी नहीं है तो हॉबी बनाओ, डिवेलप करो, तो उहदे ते कुछ टाइम स्पेंड करो। और एक लास्ट चीज़ मैं तुहानू कह दियां, इफ यू वॉन्ट टू, जे कल नू पार्किंसंस डिजीज़, डिमेंशिया, अल्जाइमरस डिजीज़, पार्किंसन का पता ना, हाथ पैर कंबदे रहिंदे ने, जे दिमाग दियां बीमारियां तो बचना चाहुंदे हो, डू समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू। जिवें एक खाना खा के असीं बोर हो जाने हैं ना, साडा दिमाग भी एक तरह के काम करके बोर हो जाता है। तुसीं कदी नोट किया, अपने घर के बैडरूम च फर्नीचर पिया, उस बैडरूम की फर्नीचर की डायरेक्शन चेंज कर दो, उही फर्नीचर उही कमरा तुहानू नवा लगन लग पैंदा। रीज़न, क्योंकि दिमाग ने एक इंप्रैशन बनाया कि आ कमरा एदियां डिमेंशनस ने, तो इस साइड पर फर्नीचर लगा। अज जदों बंदा वड़िया, दिमाग ने वेख्या तो वह मैच नहीं कर पा रहा, उन्हें कुछ नवा लगा। जो नवा लगा तो दिमाग फ्रैश होंदा है ना। कुछ नवा सीखो, कुछ नवा करो, ठीक है ना। और इफ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज समबडी, क्रिटिसाइज लविंगली। इफ यू वॉन्ट टू प्रेज समबडी, यू हैव 100 रीजनस टू प्रेज। इफ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज, यू हैव 100 रीजनस टू क्रिटिसाइज। मेरे को कई कपल आते हैं काउंसलिंग वास्ते, एक कपल आया, उन्होंने दोनों की गल सुनी, गल च रीज़न एक ही निकलिया कि वाइफ नूं ये इतराज़ सी कि ये बंदा, मैं तुहानूं उही लैंग्वेज कोट करन लगा जिहड़ी मैनूं उन्ने बोली, कहिंदी भा जी ये बंदा बूटां दे तस्में भी लै के नवें आवे ना, तो मैं इहदी तारीफ करदी नहीं थकदी। इस बंदे दा मूँह सड़ जाए जे इन्हें मेरे कदे नवें सूट की भी तारीफ की हो। मैं उन्हें कहा, मैं कहा यार ते इस तू सस्ता सौदा ही कोई नहीं, तू तारीफ कर दिया कर। एक दिन फिर लड़ाई हुई, सवेरे सवेरे आ गए, मैनू कहिंदा तेरी सलाह ने मरवाता, तेरी सलाह ने मरवाता। मैं की होया, कहिंदा अज साडी लड़ाई तारीफ करन तो होई। तो मैं कहा भैन जी अज की होया, कहिंदी भाजी कल मैं नवा सूट पा के गई हाँ विआह ते, इहदे सामने पा के गई हूँ, ये खुद छड के आया, इहदे मूँह चों एक लफज तारीफ तां नहीं निकलिया। अज सैटरडे संडे छुट्टी सी, दिवाली दे नेड़े दीआं छुट्टियां दी गल है, कहिंदी मैं 15 साल पुराना सूट ट्रंक चों कढ़िया भी ये पा के सफाइयां करनियां, इह तारीफां करन बह गया। तो मैं कहा भलिया मानसा तू तारीफ क्यों की, कहिंदा मैं बैठा अखबार पढ़ लिया, इह मैनूं पढ़दिआं पढ़दिआं चेता आया कदी तारीफ नहीं की, चल तारीफ ही कर दीए। Every person in this world want appreciation, but nobody is interested to appreciate others. It's a two-way process. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ when to appreciate, where to appreciate, how to appreciate and whom to appreciate. ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਿਊ ਹਿੰਟਸ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਐਫਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ,
जे सवेरे उठ के पढ़ना तो सवेरे उठना पैंदा, बाकी बहाने जिन्ने मर्जी लभ लो। वो कहिंदा एक बंदा मुंडा माँ उठा रही है, भी उठ, तू क्या सी सवेरे मैनू 4 बजे उठा दी, मैं पढ़ना उठ के, तो उठ के तो पढ़। कहिंदा माँ अज ना मैनू छेड़, मेरा रजाई ना कंपीटिशन लगा। वो कहिंदी रजाई ना तेरा कहदा कंपीटिशन है। मैं कहिंदा भी मैं तैनू 4 बजे छड़ना ही छड़ना। रजाई कहिंदी है भी मैं तैनू 4 बजे नहीं उठन देना। कहिंदे फिर इहदा रिजल्ट की निकलिया, मैं की करा, कहिंदा रजाई जित गई फिर। ठीक है, सो ये रातों रात नहीं होना, हौली 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 हौली। ट्रूली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा एटीट्यूड जा मेरी ओरिएंटेशन जा मेरा लाइफ प्रति थॉट प्रोसेस चेंज होया साइकोलॉजी का स्टूडेंट बन के। मैनू ये लगता है कि जे मैं खुद खुश नहीं रहिंदा, ठीक है ना, मैं खुश खुद नहीं खुश नहीं रहिंदा, तो मैं लोगों को खुश रख भी नहीं सकता। मैं उही गल्लां करदा जिहड़ियां मैं अपने आप ते अडाप्ट कीतियां ने, जिहड़ियां मैं खुद इंप्लीमेंट करदा, वह हौली हौली हुंदियां, टाइम लगता, इट टेक्स टाइम, है ना। कहिंदा परवाज ये नहीं कि आसमान नाप डालो, आपां रातों रात नहीं सारा कुछ कर देना। परवाज ये नहीं कि आसमां नाप डालो, गर्ज तो ये है कि जरा मकाम से उठो तो, फड़फड़ाते हुए परों में जरा दम तो भरो, गिरो 100 बार चाहे मगर 2 पल उड़ो तो। वी हैव टू लर्न टू फ्लाई। सुरजीत पात्र दियां 2 शेर मैनू बहुत चंगे लगते ने, वो कह के मैं ख़त्म करांगा। एंड आफ्टर दैट यू आर वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। सुरजीत पात्र कहिंदा, कभी तुसी देखिया दरख्त नेरी आई, तूफान आया, डिग पिया, पिया रहा, जड़ां तो टुट गया, उस दरख्त दे विचों फिर करूंबलां फुट पैंदियां ने, देखिया कभी? बहुत वारी देखिया होएगा। उहदे बारे शेर लिखदा, कहिंदा फिर करूंबल फुट पई उस चखड़ झंबे रुख तो, फिर करूंबल फुट पई उस चखड़ झंबे रुख तो, तूफान नू ए वहम सी कि वह सब कुछ उड़ा के लै गया। एक शेर लिखदा कहिंदा, की होया जे पत झड़ आई, की होया जे पत झड़ आई, तू अगली रुत च यकीन रखी। समा बदलदा, रात लंबी हो सकती है सर्दियों च, रात छोटी हो सकती है, पर रात तो बाद दिन चढ़ना ही चढ़ना, सानू थोड़ा इंतजार करना पै जांदा कई बार। कहिंदा की होया जे पत झड़ आई, तू अगली रुत च यकीन रखी, मैं लभ के लियावांगा कितों कलमा, तू फुलां जोगी जमीन रखी। कहिंदा इफ लाइफ दे विच सैल्फ डिसिपलिन बहुत जरूरी है, जिन्हों असी टाइम मैनेजमेंट कहने, असी साइकोलॉजी अजकल उन्हों कहना शुरू किया सैल्फ रेगुलेशन। दुनिया च तुसी उस चीज़ का फायदा लै सकते हो जिहड़ी तुहाडी कंट्रोल च है। आपां बैठे हाँ, सर्दियों का दिन है, पखे बंद ने, जे पखे बंद ना हो सकते होंदे, इहदा बटन साढ़े हाथ च ना होंदा, तो शायद इस हाल च असी बैठ नहीं सी सकते। दुनिया च उस चीज़ का फायदा लै सकते हो जिहड़ी तुहाडे कंट्रोल च है। कोई चीज़ दुनिया च माड़ी नहीं है, कोई चीज़ बुरी नहीं है, पर हर चीज़ तुहानू कंट्रोल च रखनी पएगी। जे कोई बंदा आ के ना, मैं तेरे वास्ते नवी मर्सिडीज़ कार ले आया तैनू गिफ्ट करन वास्ते, पर इहदियां ब्रेकां नहीं होएगियां, तुसी इही जी फ्री दी कार भी लैण नू तैयार नहीं होगे, उहदे च बैठण नू तैयार नहीं होगे। तो जिहड़े बंदे दा अपने आप ते कंट्रोल नहीं ना हैगा, वह बिना ब्रेकों वाली कार है, हुण भी वजी तो ठहर के भी वजी, उहदा नुकसान होना ही होना। सो पीपल से इफ यू फेस डार्क पीरियड इन लाइफ, नैवर बी अफ्रेड ऑफ, मे बी पॉसिबल दैट गॉड इज प्रपेयरिंग ए ब्यूटीफुल फ्यूचर फॉर यू, बिकॉज ऑल कलर्ड फोटोग्राफ्स आर बींग प्रपेयर्ड इन डार्क रूम्स। कलर्ड फोटोग्राफ अंधेरे कमरे च ही बनती है,
जे कमरे च लाइट पै जाए ना तो फोटो खराब हो जांदियां ने। ते हो सकदा बड़ा वधिया फ्यूचर तैयार हो रहा है, घबराउण दी लोड़ नहीं है। डिसिप्लिन रखो अपने आप ते, अपने आप नूं कंट्रोल करो। और अंग्रेजी दी कहावत है, इफ यू कैन नॉट डिसिप्लिन फॉर यूअर सैल्फ, इफ यू कैन नॉट डिसिप्लिन यू यूअर सैल्फ फॉर यूअर बेनीफिट्स, इफ यू कैन नॉट डिसिप्लिन यूअर सैल्फ फॉर यूअर बेनीफिट्स, दैन समबडी एल्स विल डिसिप्लिन यू फॉर देयर बेनीफिट्स। आपां विआह ते गए, खाना खा लिया, स्वाद सी, खाना खा लिया, ज़्यादा खा लिया। ये कई बार ये भी होंदा भी सगन दिता घट भी क्यों खाया जाए, अहीं कड़ा फ्री खाण डे हैं। खा लिया, पेट अपसैट हो गया, फिर बंदा डॉक्टर को गया सवेरे, पहलों तो कहिंदा लाइन च बैठो, जदों तुहाडी वारी आएगी फिर देखांगा। जदों वारी आई पहिंदों कहिंदा 200 रुपया कंसल्टेंसी फीस जमा कराओ। जमा कराती, फिर वो दवाई दित्ती, 3 दिन दवाई खाधी, 4 दिन खिचड़ी खाधी, हो गया ना डिसिप्लिन। अपनी एक छोटी जी गलती करके प्यासा किसी काम का लालच कर लिया, ज़्यादा खा लिया, पेट अपसैट हो गया, इनडिसिप्लिन जरा जहा इनडिसिप्लिन होए तो उस बंदे ने सानू पूरी तरह डिसिप्लिन कर लिया। ठीक है, सो इस वास्ते दिस लाइफ इज़ वेरी फाइन, लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। टेंशन ना दी चीज़ तुहाडे नेड़े तेड़े नहीं लगनी चाहिए, तुहानू पता ही नहीं होना चाहिए स्ट्रैस की होंदी है। डिप्रैशन हो गया, मैं एंगजाइटी हो गई। एक दिन एक मैं फोन आया, मैं वापस आ रहा घर में जा रहा, कहता सर जी मैं ना एम टैक का फलाना फलाना स्टूडेंट बोलता, मैनू ना किसी ने तुहाडे बारे दसिया। मैं कहा हाँ जी दसो। वो ना मैं तुहानू मिलना है। मैं कहा तू आफ्टरनून च आ जी। कहता नहीं जी हुणे मिलना, बड़ा जरूरी काम है। मैं कहा जी हुणे मिलना तो इस वेले मैं पार्क च खड़ा, सॉरी पार्किंग च खड़ा, आ मेरी कार है, यदा रंग है, यदा नंबर है, मैं वो लागे खड़ा, तू आ जा। और जो मेरे वाल आ रहा है तो मैं तो अंदाजा ला रहा कि ये वही मुंडा जिन्हें मैं फोन किया, पल्सर मोटरसाइकिल वो ब्लैक कलर का, मेरे नेड़े आके खड़ा किया। मैं उन्होंने उपर तो लैके थले तक बड़ी गौ नाल एनालाइज किया, ब्रांडेड गॉगल्स लाइया ने उन्हें, जेब दे विच पार्कर दा पेन है कॉस्टली, ब्रांडेड शर्ट ने, ब्रांडेड शूज ने, ब्रांडेड ही बेल्ट है, ब्रांडेड ही ट्राउजरस है, मैचिंग दा सारा कुछ। मैनू कहता सर जी बड़ी टेंशन होई पई है। मैं कहा मेरे लागू इसे वक्त चल जा, तेनू वे वे के मैनू बड़ी टेंशन होई है। जिन्हू टेंशन होंदी है वो मैचिंग करदा सवेरे, जिवें अजकल सी टीवी ते सीरियल वेखदे हो ना, 5-5 किलो सोना पा के ते फिर रोण बैंदियां ने। ठीक है ना, आपां कदी रीयल लाइफ दे विच इदां रोंदे आ कदी, जां सोसाइटी च कल्चर च ऐसा फिनोमेना देखिया तुसीं वी पूरे हार शिंगार करके फिर रोना ते उदां ही सौं जाणा ते उदां ही उठ पैना। ठीक है ना, सो लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत वधिया चीज़ है, बहुत कुछ है, सारा कुछ बदल जांदा, सारा कुछ बदल जांदा, सारा कुछ हो जांदा। एक विल पावर चाहिए है, थोड़ी जी डिटरमीनेशन चाहिए है, कॉन्फिडेंस चाहिए है। तो कॉन्फिडेंस मैं कई स्टूडेंट्स नूं कहिंदा हुंदा, 15 साल हो जाए एग्जाम देंदिया नूं, ते 15 साल दे एग्जाम देने तो बाद भी एग्जाम तो डर लगता, इहदा मतलब सिख्या कुछ नहीं। लर्निंग दी जिहड़ी डेफिनेशन है ना, असीं साइकोलॉजी स्टूडेंट्स नूं पहले सेमेस्टर च ही पढ़ाउंदे आ, लर्निंग की है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड यू विल बी जजड बाई यूअर बिहेवियर। तुहाडे मन च की है किसी नूं नहीं पता और ना किसी नूं पता लगता है। तुहाडा मेल मिलाप चंगा है, तुसी लोकां नाल अच्छा वरतदे हो, अच्छा बोलते हो, तुसी बहुत वधिया इंसान हो, तुसी गोल्ड मैडलिस्ट भी हो। यू आर नॉट गोइंग टू मूव अराउंड इन दिस वर्ल्ड वीयरिंग गोल्ड मैडल अराउंड यूअर नैक, सारी उम्र गोल्ड मैडल गले च नहीं पाउणा। अल्टीमेटली यू विल बी जजड बाई यूअर बिहेवियर। ठीक है ना, तुहाडा जजमेंट कितों होनी है, तुहाडे बिहेवियर तो। अगर बिहेवियर चंगा तो तुसी सारा कुछ चंगा। इस करके कहिंदे ने दुनिया में यूं ही मिलते मिलाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। दिल च की है किसी नूं नहीं कुछ पता, और ये पावर जानने की कुदरत ने दित्ती भी नहीं किसी नूं, किसी मन च की है
जे कि इंसान को पावर होंगी ना तो आदमी की लाइफ मैस बन जानी सी। बैठे बैठे कहना वह बंद कर मेरे बारे सोचना, अपना काम कर, मेरे बारे की सोची जाना, ये पावर कुदरत ने दी नहीं बंदे। सो इस वास्ते बहुत वधिया इंस्टीट्यूट च पढ़ रहे हो, बड़ी चंगी फैमिली नू बिलोंग करते हो। जो मैं एम ए साइकोलॉजी एडमिशन लई, जो मेरी रैकिंग हुई तो मैं पुछते स्कूल केड़ा है, तो मैं तो डर गया लोगों के स्कूलों के नाम सुन सुन के। मेरे बैच के चार कुड़ियाँ सनावर दियाँ पढ़िया सी, तीन कुड़ियाँ सेंट्स बीट शिमले दियाँ पढ़िया सी, दो चार बच्चे साढ़े इतने लोकल फोरैस स्कूल के, स्प्रिंगडेल स्कूल के, ठीक है ना, डी पी एस डोलजी पब्लिक स्कूल के। जो मेरी वारी आई मैनू कहिंदे हाँ जी असी पढ़े हाँ पिंड दे स्कूल तो बोर्ड थले क्लास लूँदी सी, जिदा कमरा भी नहीं सी हुंदा, नेरी आई तां भी छुट्टी, मीह आया तां भी छुट्टी। मैनू कहिंदे हाँ जी तुसी किहड़े स्कूल तो पढ़े हो, मैं कहा जी मैं पढ़िया सेंट मेरी बोरी। कहिंदा जी ये किहड़ा स्कूल आ, मैं कहा साढ़े पिंड हैगा जी, बोरी घरों लैके जाईदी सी, थले विछा के बह जाईदा सी, तो जो छुट्टी होनी बोरी झाड़नी अद्धा कट्टा मास्टर के सिर च अद्धा अपने सिर च, तो घा पवा के घर आ जाइए सी। पर काबिलियत ये सी कि साढ़े जिहड़े टीचर सी ना वो इन्ने कमाल दे सी, इन्ने कमिटेड सी, वो कहिंदा मैं सारा कुछ करूँ अपनी क्लास के बच्चों नूं पढ़ाउण लई जो मैं अपने मुंडे लई करूँ। और 7 बजे तक बैठा दिंदा सी अपने स्कूल, 7 बजे तक न्याणे स्कूल लैके बैठा रहिंदा सी। पेरेंट्स शाम को जे बच्चा नहीं घर पहुँचा तो स्कूलों आ खड़ते, कहिंदा पक्का मास्टर लैके बैठा होना, कहिंदा पुत्र मैं 16 तक डबल पहाड़े सुनने ने, जिहड़ा सुनाऊगा घर जाऊगा, नहीं तो मैं भी इत्थे बैठा तू भी इत्थे बैठा, मैं नहीं जान देना रात। जे कोई होमवर्क नहीं करके आया ना स्कूल तो बाद उन्हें उत्थे बिठा लेना, होमवर्क कर मैनू चैक करा फिर मैं घर जान देना। जे प्यो आना कहिंदा भी जां तू कर दे फिर, जे इन्हें नहीं करना फिर तू होमवर्क कर देगा, ठीक है ना। सो वो कमिटमेंट सी, वो लोग जिन्होंने सानू प्राइमरी च पढ़ाया वो प्राइमरी च ही रिटायर हो गए, असी उन्होंने लाए बूटे यूनिवर्सिटियां तक पहुँच गए, ठीक है ना। सो उन्हां लोगों का कमाल सी। सो इस तरह की लाइफ च कमिटमेंट होनी चाहिए है, जो भी करो जिथे भी करो। मतलब मैनू लगता है कि जो तुसी मैंटली सैटिस्फाइड हो ना, नींद बहुत कमाल दी आउंदी है रात, तो जे बंदे नूं नींद कमाल दी आउण लग पे ना तो ये समझ लेना भी वो जिंदगी च सारा कुछ ठीक ठाक ही कर रहा, ठीक है ना। कोई बहुतियां एस्पीरेशंस नहीं वड्डियां, दो वक्त की रोटी चाहिए है, छोटा मोटा घर रहन नूं चाहिए, कोई वहीकल चाहिए है। ये जो तुसी रस्ते ते तुरे जाओगे ये सारिया चीज़ा आपे मिलदियां जाणियां ने, मंगण दी लोड़ नहीं है। मैं जिद्दण यूनिवर्सिटी च आया सी दो कुर्ते पजामे सी बैग च, एक चप्पलों का जोड़ा सी, दो पेंटा कमीजा सी, घर गए ही नहीं वापस, घरों बहुत चंगे भी नहीं सी, आम जी फैमिली नूं बिलोंग करते सी, ते इत्थों ही पढ़े, इत्थे ही नौकरी लगी, इत्थे ही सारा कुछ मिल गया। और वो चीज़ा भी मिल गई ने, रब ने वो मुकाम भी बख्शिया है ना, जिहदी कदी जिंदगी च आस भी नहीं सी कीती, जिहदी आस भी नहीं सी रखी। सो इस वास्ते सारा कुछ मिलता है, ठीक है ना। कहिंदा उसके दर से जो भी मांगो, उसके दर से जो भी मांगो मिलता है जरूर, लेकिन तबीयत आपकी फकीराना तो हो। मंगण दा दाज ते आवे, उहदे कोल मंगण दी जाच ते आवे, वो किसे दा हक नहीं रखता, लोड़ तो वध दिंदा और लोड़ तो वध दे रहा और सब नूं देगा। थैंक यू वेरी मच। Any question, query, or you want to say, or you want to? वो स्लाइड सी मेरी बाई चांस मिस हो गई, मैं दिखाउणी सी तुहानूं। देखो कोई प्रॉब्लम लाइफ दे विच आवे उहदी दो ऑप्शन हो सकदी है, प्रॉब्लम इज देयर और प्रॉब्लम इज नॉट देयर। इस दुनिया च कहिंदे दो ही कारण ने चिंता दे, डिप्रैशन दे, स्ट्रैस दे, दो ही कारण ने। दो कारण किहड़े ने? जो मैं चाहुंदा उदा नहीं हो रहा,
मैं चाहूँगा सी मेरे 70% नंबर आउट नहीं आए, इस करके टेंशन होगी। दूजा कारण की है कि जो मैं चाहता कि नहीं होना चाहिए कि वो ना हो जाए। सो कोई प्रॉब्लम क्राइसिस लाइफ दे विच आवे, कोई इशू है, प्रॉब्लम हैगी है तो प्रॉब्लम नहीं हैगी। अगर प्रॉब्लम नहीं हैगी तो चिंता का कोई कारण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। जे प्रॉब्लम है उहदियां अगे फिर दो ऑप्शनस ने कि प्रॉब्लम इज़ देयर, उहदा कोई सोल्यूशन हैगा तो जां उहदा सोल्यूशन नहीं हैगा। सोल्यूशन हैगा तो फिर कोई चिंता का विशा नहीं है, जे सोल्यूशन नहीं हैगा तो चिंता का फिर भी विशा कोई नहीं है। तो सारिया हालातों से चिंता है ही नहीं है। 3D ते 3E हमेशा याद रखियो, 3D ते 3E। 3D डू इट, सारे काम करो, आप करया करो, डोंट डिपेंड अपॉन अदर पीपल। मैं देखा स्टूडेंट कहते प्रैक्टिकल की फाइल किसी को पैसे दे के बनवा ले होंगे, ठीक है। डू इट, कोई काम ऐसा है जिहड़ा तुसीं नहीं कर सकते, तुहानूं पता है कि एक काम कोई दूजा बंदा बहुत वधिया कर सकता है, दैन डेलीगेट दैट वर्क टू अदर परसन। असी कई बार स्ट्रैस इस करके होंदी है सारा काम आप करना क्योंकि सारा क्रैडिट आप लैना। कि मैं सुनना चाहता भी वाह भी वाह कमाल करती, इस बच्चे ने सारा काम किया जी, इस बच्चे ने कल ने काम किया, वो भावें बच्चे का कुछ बचे ना, पर जेदे है भी क्रैडिट सारा मैं लैना। डू इट करो, तुहानू करना हुंदा तुसी करो। तुहानू लगता है तुहाडे ग्रुप च कोई फंक्शन आ, किसी नू डेकोरेशन बड़ी वधिया करनी आउंदी आ, उहनू उत्थे लाओ, है ना। कोई मैनेजमेंट अच्छी करदा उहनू मैनेज ते करो। कुछ खाणे दा बहुत वधिया अरेंज कर सकदा उहनू खाणे दी ड्यूटी लाओ। डू इट डेलीकेटेड, ते जिहड़ा काम ना तुसी कर सकदे हो ना कोई होर कर सकदा, दैन डिस्ट्रॉय इट। 3D उहनू खतम कर दिओ फिर। 3E बी एंथुसियास्टिक, चाहत होनी चाहिए, ठीक है ना। यू शुड हैव ए ड्राइव। साडे एक साइकोलॉजिस्ट होया जैनसन, इंटैलीजेंस ते उन्हें काम किया सारी उम्र, वो कहता हुंदा है इफ ए परसन हैज़ इन बॉर्न इंटैलीजेंस एंड इफ दैट परसन इज़ ए ट्रक ड्राइवर, ही विल नॉट रिमेन ट्रक ड्राइवर फॉर होल ऑफ हिज लाइफ, after some time he will have his own transport company, and if that person do not have that intelligence, even if he has transport company, after some time he will become truck driver. Do it, delegate it, and then third, destroy it. Ek energy honi chahiye, hai na. Aime sir sut ke na baithya karo, kabran warge muh na banaya karo, ਐਵੇਂ 5-7 ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਫੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਗਰੇਵਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੈਵ ਏ ਸਮਾਈਲ ਔਨ ਯੂਅਰ ਫੇਸ, ਦੈਟ ਕੋਸਟ ਨਥਿੰਗ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, तो वड्डा रोंदा होया किवें चंगा लगेगा। असी कई लोग ने कैंप च उन्हां दा नाम रखिया दुखी आत्मावां, उन्हां कदी खुश हो, जो मर्जी वड्डा काम हो जाए, जिड्डी वर्जी मर्जी खुशी हो जाए, खुश होना ही नहीं कदी। एंथुसियास्टिक रहा करो, एक ड्राइव, एक अर्ज, एक चिंगाड़ी हर वेले चाहीदी, एक स्पार्क चाहीदा, दैट स्पार्क इज़ मिसिंग इन आवर लाइव्स। सैकेंड ई है एनर्जी, एनर्जी होनी चाहिए, यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी। कपिल शर्मा तो देखा कि कीकू मोटा जड़ा, उदी एनर्जी देखी, वो बल्कि किसी पतले बंदे नालों डांस वधिया कर लेंदा, और जिनी एक्टिव वो हैगा, जिन्ना एक्टिव होगा, जिनी एनर्जी वो शो करता, मतलब वो कमाल की गल है। यू मस्ट हैव एनर्जी ऑल द टाइम विद यू। जिदा का सवेरे 6 बजे जिनी एनर्जी है ना, उन्ना की शाम को 6 बजे होनी चाहिए, पर वो कट्ठी करनी पेगी। सवेरे कट्ठी किवें करनी पेगी? मेडिटेशन, योगा, सैल्फ दे फोकस करना पेगा। एनर्जी, एंथुसियाजम एंड एम्पैथी, दो वर्ड होंगे ने, सिंपथी, एम्पैथी। एम्पैथी है
when you place yourself at the place of the other person and then realize his or her discomforts. अपने आप नू दूजे दी जगह रख के फिर सोचना वो कहिंदे एम्पैथी, ठीक है। सो इस वास्ते एंडलैस प्रोसैस है। सो तीन ई ते तीन डी हमेशा लाइफ दे विच याद रखो, तुहानू कदी भी लैट डाउन नहीं करनगी। हाँ जी, एनीबडी एल्स? नो क्वेश्चंस? ये दो ही मतलब ने, जहाँ तो सारा कुछ समझ आ गया तो जहाँ कुछ नहीं आया, क्योंकि जहाँ सारा कुछ पता हो क्वेश्चन कोई नहीं होता, कुछ भी ना पता हो भी क्वेश्चन कोई नहीं होता। अपनिया हॉबीज, अपनिया हैबिट्स, रीडिंग, ऑलवेज कीप वन डायरी एंड पेन विद योर पॉकेट। हमेशा एक डायरी अपने को रख्या करो, जिथों जो मिल जाए चंगा नोट कर लिया करो, क्योंकि मुड़ के नहीं लभना। मैं आज सवेरे एक किताब पढ़ रहा सी, उस कहिंदा भी बादशाह को शिकायत की थी कि ये बंदा ना कबरां चो मुर्दे पुटदा। बादशाह नूं लाइव सीन दिखाने लिए लियांदा गया। बादशाह कहिंदा भी तू मुर्दे क्यों पुट रहे हैं कबरां चो? कहिंदा मैं पुटिया नहीं, ये बंदा मर गया, मैं कल पता लगा, पिछले 5-6 दिन तो मेरे नाल झगड़ रहा सी किसी गल तो, ते हर गल गल ते पुछदा सी, कहिंदा तैनूं पता मैं कौन हाँ, तैनूं पता मैं कौन हाँ? अज कहिंदा मैं इहनूं पुछदा तू कौन है, बोलदा ही नहीं। हालात बड़ी छेती बदलते। पंजाब च कल कैप्टन कैप्टन हुंदी सी, अज किसे नूं नां दा ही नहीं पता। गुरु नानक गए ना ईरान, तो उत्थे पीर दस्तगीर नाल मुलाकात हुई, तो उन्हें 3 सवाल पूछे सी, जिहड़ा तीजा सवाल सी वो कहिंदा, दस्तगीर पुछदा भी रब हैगा कि नहीं हैगा, की करदा की है रब? तो गुरु नानक साहब कहन लगे भी तू सवाल पूछ रहे हैं, तू उच्ची जगह पर बैठा है, तख्त पर बैठा है, मैं सवाल जवाब दे रहा हूं, मैं नीवी जगह पर बैठा, मैनू ये दस सवाल पूछण वाला वड्डा हुंदा कि जवाब देने वाला वड्डा हुंदा? तो दस्तगीर कहिंदा नहीं जी, जवाब देने वाला वड्डा हुंदा। तो कहिंदा फिर जे सवाल पूछना तो फिर थले आके पुछ। वो आप थले आ गया, नानक नूं उत्ते बिठाता, कहिंदा जी हाँ हुण दसो रब की करदा? कहिंदा बस आही कुछ करदा ही, जिहड़े थले बैठे हुंदे उन्हां नूं उत्ते बिठा दिंदा, जिहड़े उत्ते बैठे उन्हां नूं थले ला दिंदा। वक्त बदलदा, एक जिहा नहीं रहिंदा, ठीक है ना। PAU दे असीं पिछे जे रैली की सी किसानां दे संबंध विच टीचरां ने, मैनूं नां चेता भुल गया, जिहड़े PAU दे जिहड़े अपना अवार्ड वापस करके आए सी, नां सी कि सुखमिंदर की इस तरह का कुछ नां सी। मैं उत्थे भाषण दिता, मैं कहा जी देखो जमाना किवें बदलदा इस दुनिया च हमेशा, और मतलब हर बंदे ने लैक्चर च डॉक्टर साहब ते 15 मिनट लाए उन्होंने लैक्चर से। मैं क्या, मैं कहा जी मैं उस धरती नूं सल्यूट आ, उस यूनिवर्सिटी नूं सल्यूट आ, उस मां नूं सल्यूट आ जिन्हें योधा पैदा किया, जिहड़ा स्टेज पर जा के अवार्ड की ना करके आया लाइव। इत्थे कोई किसी नूं काउंसलर बना दिओ, वो नहीं कुर्सी छड्डदा ना। तो मैं कहा वेखो हालात किदां बदलदे ने, इस दुनिया च सन्मान हुंदा रहा अवार्ड लैण वालियां दा, अज सम्मान हो रहा अवार्ड ना करन वाले दा। हालात किवें बदलते हैं, ठीक है ना। सो दिस लाइफ इज़ वेरी फाइन, कदी इहदे बारे नैगेटिव ना सोचना, क्योंकि दोबारा नहीं मिलनी, ना ये टाइम दोबारा आना, ना वक्त दोबारा आना। सो इनू हस के विद ए स्माइलिंग फेस एंड दैट कॉस्ट नथिंग, ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस and your simple smile will bring smile on so many other faces. तो देखो योगा दे विच एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस की है लाफिंग दी, लाफ्टर कीता ना, क्यों कीता? पीपल हैव फॉरगॉटन टू लाफ, लोग भुल गए ने हसना,
और कई बार आर्टिफिशियल लाफ्टर नू देख के ना रियल लाफ्टर आउंदा, आर्टिफिशियल हासे नू देख के असल च लोगों नू हासा आ जाता। तुसीं देखो भी साड़ी ट्रैजडी ये बन गई है कि सानू हसना भी आर्टिफिशियली रहा पैना पै रहा, विच शुड नॉट बी। मैं अपनी क्लास दे विच एक गल लास्ट मैं चेते आ गई, मैं तुहाडे नाल शेयर कर दिया। जो किसी गल कहनी है ना, कोई किसी कुछ कहना, तो ये जरूर एनालाइज कर लियो कि जो तुसीं कहना चाहते हो अगला बंदा इहनू सुनन तैयार भी है कि नहीं है। यू हैव टू एनालाइज दिस वर्ड। कई लोग पुछते हैं जी हाँ ये किवें कीता जावे। मैं कहा तुसीं क्लास च बैठे हो, अपने क्लासमेट नू जाके ये कहो कि मैं तेरे नाल तेरे बारे तेरे फायदे की एक गल करनी सी, फिर ना करो। तुसीं किसी कहो जाके कि मैं तेरे नाल तेरे बारे तेरे ही फायदे की एक गल करनी है, पर हुण मेरे को टाइम नहीं है, फिर कितने करांगा। तो 2 मिनट बाद आ जाएगा तुहाडे यार तू मेरे नाल गल करनी सी, तू मेरे नाल गल करनी सी। पेरेंट्स नू भी कहा जाता है, टीचर्स नू भी कहा जाता है, दोस्तों भी कहा जाता है, भाई जी नू तू सुनाउणा चाहुंदा पर तू पता तो कर लिया भी सुन जोगा है भी है, वह सुन नू तैयार भी है। जे तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो उन्हें तैयार कर पहलो, ठीक है ना। जदों तुसीं किसे नूं सुनने लई मैंटली प्रिपेयर कर लिया ना, जिहड़ी गल तुसीं 20 मिंटां च सुनाउणी सी उह 5 मिंटां च सुनाई जा सकेगी, क्योंकि उह नाउ ही इज़ फुली अटेंटिव, रिपीट करन दी लोड़ नहीं पैंदी। इस वास्ते एक शायर लिखदा कहिंदा, हुसन को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुसन को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। सो दैट्स ऑल, इट्स एंडलैस प्रोसैस, ठीक है ना। इन जिन्ना मर्जी लम्मा करी जाओ, जिन्हें मर्जी बोल बोली जाओ। सो देर इज़ अ टाइम कंस्ट्रेंट, सो एनी बॉडी हू हैज एनी क्वेश्चन स्टिल वेलकम। एनी बॉडी वॉन्ट टू डिस्कस सम प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आर्ट्स ब्लॉक के विच। डॉक्टर साहब को फोन भी हैगा, फोन नंबर भी लै सकते हो तुसी। मोस्ट लाइकली आई एम फ्री आफ्टर 3:30, 3:30 तक मेरिया क्लासा होंदिया ने, 3:30 तो बाद फिर मैं 5:30 वजन 6 वजन 7 वजन जिन्हें भी लोग आए होंगे ने फिर उन्होंने डील करके दैन आई लीव फॉर होम, ठीक है ना। कई लोग शुरू च इस करके करते भी पता नहीं किन्नी फीस आ, मेरा कोई पैसा नहीं है, मैं कोई चार्ज नहीं करता, आई डोंट चार्ज ए सिंगल पैनी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं। ईवन बाहर भी जिन्हें मैं घर भी जाना उन्होंने मैं अपनी गड्डी से जाना, अपना पेट्रोल खर्चदा, मैं पैसा नहीं दिंदा। मैं ये लगता सरकार इन्ने पैसे दिंदी है जे उहदे नाल ढिड नहीं भरिया, ठीक है ना, तो होर 2-4 लाख कमाउण नाल बहुत वड्डियां कोठियां तो मैं पा नहीं लैनियां, ठीक है ना। तो मेरा मन हौली हौली ये बन रहा है कि मैं मकान भी नहीं बनाउणा, किसे मकान किराए दे मकान ते रहना, और जिहड़ी लोकैलिटी चंगी होई जिहड़ा मकान चंगा उत्थे जा के किराया दे के रही चलो। अज मकान बनाउणा होए तो 1 करोड़ रुपया लगता, मैं 1 करोड़ रुपया कराँगा बैंक च जमा, वह 1 लाख रुपया महीने का वैज आएगा, वो अयाशी करांगे। मैं 50 लाख करोड़ रुपया ला के तो मैं मकान बना के क्या लेना, क्योंकि जिदन मकान बन गया उदन ही वो रिपेयर शुरू हो जानी है। किराए का मकान खराब हो गया, डंडा डेरा चुकया दूजे थान लाता, ठीक है। नानक वाली फिलासफी से ना, नानक ने पूछा सी, नानक जी घर कितने बनाया, कहता जी कोई चीज़ खड़ी तो है नहीं, घर बनावा कितने, धरती भी चल रही है, चंद्रमा भी चल रहा, सूरज भी चल रहा, ग्रह नक्षत्र भी चल रहे हैं, प्लांट्स भी चल रहे हैं, है ना। टैंपरेरी बंदा इस दुनिया च परमानेंट जगह लभदा फिरता, प्रॉब्लम तो है टैंपरेरी हो टैंपरेरी रहो कोई फर्क नहीं पैंदा। दैट्स ऑल, थैंक यू। रही है, इट्स रियली टचिंग द एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी सभी बच्चों को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, टाइम एंड अगेन आई टेल यू कि प्लीज़ अडॉप्ट दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, दे आर गोइंग टू बेनिफिट यू। इस हाल से जो चीज़ें आपने अभी सुनी हैं, हाउ मच यू कैरी विद यू, दैट मैटर्स। और कोशिश करिए
जब भी रात को सोओगे उस टाइम 10 मिनट के लिए यू थिंक ओवर इट कि व्हाट यू हैव हर्ड टुडे एंड हाउ मच यू कैन रिटेन विद यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें जो लाइफ की रियलिटी को टच करती हैं, इनको समझना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर सच ए गुड डेलिब्रेशन। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रिंसिपल साहब को कि टोकन ऑफ रिस्पेक्ट और टोकन ऑफ सेंटीमेंट्स एक छोटा सा गिफ्ट सर आप प्रेजेंट करेंगे झोल साहब को, प्लीज सर। फाइनली आई विल टेक ओनली 1 or 2 minutes। कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन्होंने कही हैं, उसके बारे में पहले भी शायद मेरी आप लोगों से डिस्कशन होती रहती है। एंड आई ऑल्सो कन्वे यू कि मॉर्निंग आवर्स में ऑल ऑफ यू विल गो फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes योगा एक्सरसाइज। एक अभी रिसेंट सर्कुलर सेंटर गवर्नमेंट से भी आया था, एक्सरसाइज हाफ ए डे हाफ एन आवर कीप्स यू फिट द होल डे। तो उसमें जो आपको थोड़ा सा हमने बताया हुआ है कि एक प्राणायाम जो एक्सरसाइज सिंपल है, लोम बलोम है, दूसरी मैंने बड़े बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट भी की है, सिंपल पोस्चर में बैठ के प्राणायाम करिए बिकॉज यू आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इनहेल करने से बॉडी गेट्स वाइटलाइजेशन, इट्स गेट वाइटलेटेड, एनर्जी इज देयर। जैसे उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने कि सुबह स्टोर करिए एनर्जी और शाम के 6 बजे तक वैसी रहनी चाहिए। यू विल ट्राई इट एंड देन यू विल कंसंट्रेट एट द स्पिरिचुअल आई, रेज योर आइज अपवर्ड एंड देन इनवर्ड टूवर्ड द स्पिरिचुअल आई। यू ऑल आर डॉक्टर्स, यू मस्ट नो देयर इज अ पीनियल ग्लैंड, द स्टिमुलेशन ऑफ दैट ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स, दे विल डेवलप द विल पावर, हैप्पीनेस, मूड एलिवेशन, एवरीथिंग लाइज हियर। तो ये सारा लिखेंगे, इट्स एक्सरसाइज फ्रॉम एनएसएस। और ये जितनी डायरीज आप लोगों ने एनएसएस की ली हैं उस पर आज के लेक्चर की जो सेलेंट चीज़ें होंगी वो भी आप रिपोर्ट करेंगे सभी लोग। और जो आपकी एक्सरसाइज मॉर्निंग को है, योगा एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, उसका भी कोई एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होगा, उसको भी आप नोट करेंगे। ओके, आई डोंट टेक मच टाइम, नाउ आई इनवाइट अवर वर्दी प्रिंसिपल एंड एमडी ऑफ अवर कॉलेज डॉक्टर एस के नागपाल फॉर हिज फ्यू वर्ड्स और वर्ड्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम हिम टू ऑल ऑफ अस। प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह जी जौहल, डॉक्टर खजूरिया एनएसएस यूनिट इंचार्जेज एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सच तो यह हैगा भी एडा सोहना एडा वधिया लैक्चर सुन के तुहानू स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए। और इनिया मिठिया मिठिया और वधिया गल्ला करन तो बाद हुण मैं जो भी कुछ बोलांगा उहदे नाल स्वाद नहीं आना। मैं तो डॉक्टर साहब के बारे सोच रहा सी भी डॉक्टर साहब तो बाद तुसीं इह जिहड़ा इह शुरू हो गया सी सवेरे आ करो शामी आ करो, वह मैं क्या उन्होंने घंटा डेढ़ घंटा लगा के तुहाडा स्ट्रैस खत्म किया, ये दोबारा स्ट्रैस पाते आ गए सी। कोई लोड़ नहीं बच्चो, जो डॉक्टर साहब ने किया उनका 10% भी जे तुसी फॉलो कर लोगे ना तो जिंदगी बड़ी वधिया जी। असी जो कर सकते हैं, जिवें इन्होंने विचों एक बार जिक्र किया कि मैं उस तरह पढ़ावांगा जिवें मैं आपके बच्चों को पढ़ाता, तुसी एक टीचर के बारे गल की, असी तुहानू वायदा करते हैं भी जो असी तुहाडे लई कर सकते हो असी करांगे, आलवेज हमेशा करांगे, तुसी साडे बच्चे जे, असी तुहाडे लई ज़्यादा तो ज़्यादा करन दी। तुसी उस दिन याद होएगा जदों इनैगोरेशन की है छीना साहब आए सी, जो तुसी नहीं भी किया उनके लिए भी और रेडी सी। प्राइवेट कॉलेजों से कदे भी नहीं आता बच्चो, राती 12 बजे भी मैनू फोन आ जाते हैं, 10 बजे फोन आ जाता है, मैं हमेशा अटेंड करदा। और अजकल पेरेंट्स वरी एडे पुछते हैं मेरे को कि किवें एडमिशन होएगी किवें है,
आम बंदा को नंबर आता तो फोन नहीं चकता, लेकिन असी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्यों? सिर्फ इक्को ही गल है भी असी चाहते हैं भी तुसी भी खुश रहो, सारा समाज खुश रहे। जे मैं लोगों को खुशी देंगा तो मैनू खुशी मिलेगी, और मैनू आधी खुशी तो वड्डी खुशी और कोई नहीं दुनिया च हैगी, ना ही मैं चाहता ना ही मैनू मिल सकती। बहुत अच्छिया गल्लां कीतियां ने, हुण मैं ज़्यादा नहीं इहदे बारे गल्लां करांगा, सिर्फ दो तीन गल्लां ने कि टॉपिक जिहड़ा हैगा सी हॉस्टल लाइफ एंड स्ट्रैस मैनेजमेंट, और मैनू लगता है कि आपां स्ट्रैस की गल ही नहीं की, और किन्ना वधिया, नहीं नॉट इन नैगेटिव सेंस, किन्ना वधिया सी कि आपां स्ट्रैस होने ही नहीं दिता तो उन्हें मैनेज करन की लोड़ क्यों पएगी। जो डॉक्टर साहब दी इन्नी वधिया गल्लां सी, सारे बच्चे खुश सी, सारे लोग खुश सी, फुली अब्जॉर्ब्ड सी, यही लाइफ चाहिए। कुछ बच्चे कुछ पेरेंट्स साढ़े को आए कि जी साढ़े बच्चे क्यूबिकल दो, सिफारिशा लगवाइया उत्तों उत्तों तक, लेकिन मेरी गल सुनो, जे बीमार होना जे तो क्यूबिकल ले लो, जे खुशियां चाहिए ने तो डॉरमेटरी च रहो, बच्चों नाल हसो खेलो एडजस्टमेंट करो, सारा कुछ आदमी सीखता, जिंदगी सीखने के वास्ते हैगी है। कमरे च बैठ के मोबाइल देखने नाल जिंदगी नहीं चलनी, हुण तां तुहानूं स्वाद आएगा लेकिन बाद च यही मुश्किल आनगियां, फिर डॉक्टर साहब के चक्कर लगाओगे तुसी, और ये तो फ्री च ने ते, लेकिन दूजे डॉक्टर बहुत बुरी हालत कर देंगे ने तुहानूं। अजकल बच्चों नूं स्ट्रैस हो रहा, फैमिलीज़ विच भी असी देख रहे हैं, साडे जमाने इन्ना नहीं हुंदा सी, क्योंकि साडी भी वो जी तख्तियां वाले स्कूल हुंदे सी, मज़ा हुंदा सी, रब की छत हुंदी सी, हुण अजकल कुछ लाइफ बदल गई है, लेकिन ठीक है, हुण आपां दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन आदे आप नूं बदल सकते हैं। जो दो चार चंगीआं गल्लां ने उहनूं फॉलो करो, टाइम मैनेजमेंट करो, स्ट्रैस नहीं रहन देना, किसी भी हालत च स्ट्रैसफुल लाइफ ना रहो। किसी दोस्त कोल जाओ, किसी मित्र कोल जाओ, किसी टीचर कोल जाओ, जो कर सकते जे करो, जे कुछ नहीं कर सकते कमरे तो बाहर निकल के नेचर दे कोल चले जाओ, वो भी तुहाडा स्ट्रैस रिलीव कर देंगे। एन ने नहीं करना, फोन ने नहीं करना, फोन तो खराब ही करेगा, और वो गंदे गंदे सीरियल भी ना देखोगे उन दे नाल होर खराब हो जाता है। तुसी खुशी जिंदगी रहो, हॉस्टल दा विच